बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने भाई गुड मॉर्निंग, नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि आप सब खैरियत से होंगे, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, कभी खुशी, कभी गम, कभी सेहत, कभी बीमारी, ये तमाम तर जो रद्दोबदल है ना, यही एहसास दिलाता है कि यही ज़िंदगी है। और खुशियों को चुरा लेना चाहिए और गमों को मुट्ठी खोल देनी चाहिए ताकि वो आपसे दूर चले जाए ना। लेकिन क्या करें, अक्सर गम कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, जो बीमारी की शक्ल में आते हैं। करना क्या होता है उसमें, आपको एहतियात बरतनी होती है। और हमेशा की तरह आज भी मेरी टीम की और मेरी ये कोशिश कि कुछ बेहतर जी उठा पाकिस्तान के स्क्रीन के ज़रिए आप तक शेयर किया जा सके। अब बच्चे हर घर की रौनक होते हैं और बच्चे सबके सांझे होते हैं। और घर में 10 बड़े हो तो वो रौनक नहीं होती, अगर एक बच्चा हो तो पूरे घर में जो खिलखिलाहट होती है, जो खुशी होती है, उसका समय कुछ अलग होता है। और अगर वो एक बच्चा घर का बीमार हो जाए तो सब परेशान होते हैं कि ये खा नहीं रहा, ये सही से बात नहीं कर रहा, ये मुस्कुरा नहीं रहा, ये ज़्यादा रो रहा है। तो ये सारी परेशानी घर वालों के लिए होती है। कुछ मर्ज़ या कुछ वबाई अमराज ऐसे हैं जो सीज़नल होते हैं, जो ख़ास तौर पर उस मौसम में आते हैं, उसमें अगर आप एहतियात बरत लें तो बहुत सारे मसाइल से या उस बीमारी की शिद्दत से आप अपने आप को या बच्चों को बचा सकते हैं। जिस बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम एडल्ट्स में भी होता है लेकिन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज़ उनकी इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आज भी शुरू में ज़िक्र करूँगी कि चाहे पोलियो के ड्रॉप्स हों या वो हिफाजती टीके हों जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पूरा कोर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री करवाया जाता है, अगर माँ बाप ये अपने बच्चों को लगवाते हैं टीके और पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं, इसका मतलब है कि ये बेहतरीन तोहफ़ा है जो माँ बाप ने अपनी औलाद को दिया है। क्योंकि वो तो ना समझ हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कम इल्म या पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं करी, मैं हर उस माँ बाप की बात करी हूँ जिसकी औलाद है और वो उससे मोहब्बत करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर ये जो हिफाजती टीकों का कोर्स है ये मुकम्मल कराइए। अगर कहीं रह भी गया है तो यकीनन हर गांव शहर में इस तरह के सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर ये जो वैक्सीनेशन जो हैं वो की जाती हैं। आज हम चिकन पॉक्स की बात करने जा रहे हैं, जिसे आम जबान में खसरा कहा जाता है। इसकी भी बचपन में जो स्केड्यूल दिया जाता है, इसकी वैक्सीनेशन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन का मकसद ये नहीं होता, ऐसा भी है बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन लगी है, उनको कभी मीजल्स नहीं हुए। मुझे पूरी वैक्सीनेशन लगी है लेकिन मुझे एक बार हो चुके हैं और अभी तक ये स्कार भी मौजूद है, लेकिन उसकी शिद्दत उतनी ज़्यादा नहीं थी, वो उतना खौफनाक मर्ज़ नहीं था जो शायद अगर मुझे वैक्सीनेशन ना लगी होती तो होता। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, जो खसरा वबाई अमराज है और ये एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी भी है, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या एहतियात ना की जाए तो ये ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे, चिकन पॉक्स के हवाले से एहतियात क्या होनी चाहिए और अगर ऐसा हो गया है तो आपको क्या करना है, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं, आपके नाम के साथ आपके सवाल जो है वो मैं शामिल करूंगी। और इस पे बात करने के लिए वेरी रेलेवेंट पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी मच वेल नीडेड, क्योंकि इसके बारे में बड़ी गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। चिकन पॉक्स को लोगों ने बड़ा हवा बनाया हुआ है, समझा है कि पता नहीं क्या बीमारी है कि लोग सीटी स्कैन एमआरआई तक करा देते हैं इसके अंदर। अच्छा, मुझे बहुत कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो ना आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिस तरह अछूत कहा जाता है। ओके भाई, कंटेजियस होती है, फ्लू भी होता है, अगर घर में एक को हो जाए तो सबको हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि फ्लू अछूत बीमारी हो गई, इस तरह ये एहतियात बरतनी चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चिकन पॉक्स जो होता है वायरल इन्फेक्शन है, वायरस है ये, और मैंने आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया, चिकन पॉक्स से ही मैंने पूरा बनाया है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन। चिकन पॉक्स तो सी से है चिकन पॉक्स, AKA also known as, इसको हम वेरिसेला भी कहते हैं, खसरा जैसे आपने बताया, और इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। प्लीज याद रखिए, इसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और इसका कोई हाथ नहीं होता, साथ साथ इसके अंदर फीवर होता है, एच से है फीवर, रैशेज हो जाते हैं इसके अंदर, स्किन में पहले पानी वाले दाने निकलते हैं और दोनों साइड्स में निकलते हैं बॉडी पे, स्मॉल इची, अच्छा इचिंग होती है, ब्लिस्टर्स होते हैं और जो कि आखिरी में स्कैब बन जाते हैं, उस पर छिलके बन जाते हैं। अच्छा। साथ साथ आई से है इंटेंस इचिंग, यस, खारिश बहुत ज़्यादा होती है,
उसके लिए हम एंटी हिस्टामिन सुबह में भी देते हैं, रात में भी देते हैं. हमें इचिंग को कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज आप बिल्कुल सही कहती हैं कि इसका जो निशान पड़ता है वो बहुत मुश्किल से जाता है. जी, आज तक बहुत मेरे साथ जी, है मेरे फेस पे खास तौर पे ना. अच्छा, केस है इसमें कीप इंडोर्स, जो आपने कहा ना कि इट इज एक्चुअली हाईली कंटेजियस, लेकिन अछूत नहीं कहें हम इसमें थोड़ी सी एहतियात ये बढ़ते हैं कि हम पेशेंट को बोले ज्यादा बाहर ना निकले. अपना जिसमें पानी पी रहा है, जिसमें वो प्लेट्स यूज कर रहा है या तौलिया, वो अपनी अलग रखे. बाथरूम एक अलग कर दें थोड़ा सा, क्योंकि लग सकती है डेफिनेटली. ठीक है, साथ साथ ई से है एक्सटेंसिव स्प्रेड, ये आपके चेस्ट से स्टार्ट होता है यूजुअली, साथ साथ पे बैक पे भी जाता है, पीठ पे, फेस पे, स्कैल्प. अच्छा, सर के अंदर भी दाने निकलते हैं इसके अंदर जी, इस चिकन पॉक्स के आर्म्स एंड लेग्स, तो पूरी बॉडी को कवर कर सकता है. ठीक है, अच्छा पेशेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और लोग बहुत डराते भी हैं, कुछ लोगों को बहुत इंटेंसिटी होती है. अगेन, जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई भी बहुत पूरा चेहरा, पूरी बॉडी भर जाती है. अच्छा, और इसमें नो नीड फॉर एंटीबायोटिक्स, प्लीज एंटीबायोटिक्स यूज ना करें. सबसे पहले पेशेंट को चिकन पॉक्स पे तो इसको डायग्नोस करें, हमारे पास आइए, डायग्नोस हम करते हैं, चिकन पॉक्स है, वेरिसिला है, मीजल्स है, सब एक दूसरे से मिलते हैं. आप ये डॉक ये कंप्लीट कर लें, फिर हम डायग्नोसिस पे बात कर लें. अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ कोर्स, इसकी वैक्सीन आती है जो कि दो डोज लगते हैं बच्चों को 12 से 15 महीने पर, और दूसरा डोज लगता है 4 से 6 साल में. और ये आप बिल्कुल सही कह रही थी, इम्यूनाइजेशन की जो वैक्सीनेशन आती है उसके अंदर ये होता है. अच्छा, साथ साथ बड़ों को भी लग सकता है ये 28 दिन के फर्क से. अगर कोई इंसान को नहीं लगी है बचपन में 13 साल के ऊपर, तो वो दो वैक्सीन एक महीने के गैप से लगा सकते हैं. और एक और चीज है, इसमें एक्सरे की कतन जरूरत नहीं है. लोग इतना आपको पता है मिसयूज करते हैं, शायद गलत डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं या उनके पास जो डॉक्टर बने बैठे हुए, तो वो उसको सीटी एमआरआई तक कराया है. आपको पता है इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है. अच्छा, वायरस होता है ये. एक तो चीज बड़ी क्लियर ये भी होनी चाहिए कि जब हम मीजल्स की बात करते हैं या हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं, तो इसकी भी मुख्तलिफ इकसाम है. हालांकि ये दोनों तीनों कंडीशन में वायरस है जो इन्फेक्शन करता है. मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, एक स्मॉल पॉक्स होता है. ठीक है, स्मॉल पॉक्स लकीली अब दुनिया से निकल चुका है, खत्म हो चुका है. एक और चीज होती है हर्पीज, हर्पीज आपने सुना होगा, हर्पीज जूस्टर, वो भी इसी वायरस से होता है. अच्छा, हर्पीज की खासियत ये है कि उसके अंदर इंतहा पेन होता है. ऐसा लगता है पेशेंट आते हैं चीखता हुआ कि मुझे करंट लग रहा है, करंट की तरह निकल रहा है, तो वो एक डायग्नोस्टिक है. लेकिन बहुत सारी चिकन पॉक्स में के नहा नहीं सकते, बिल्कुल गलत है, नहा बिल्कुल सकते हैं. अच्छा, इसका जो इन्फेक्शन शुरू होता है एक दो दिन पहले से, और जब तक आपके लीजन्स पे क्रस्ट बन जाता है. अच्छा, पहले के इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? फीवर होता है बॉडी में, हाई फीवर होता है या नॉर्मल? हाई फीवर हो सकता है. अच्छा, पेशेंट को अचानक बहुत कमजोरी लगेगी, बहुत उसको खाने का दिल नहीं जाएगा, एनोरेक्सिया होगा, फीवर होगा, फिर हल्का के वो देखेगा एक या दो बॉडी पेन निकलना शुरू हो गया, रैशेज होने शुरू हो गए, दाने पानी भरे हुए या वैसे दाने निकलना शुरू हो गए. ठीक है, वो टाइम होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ उनको एंटीवायरल या कोई अगर पैरासिटामोल. ठीक है, तो मतलब अगर बच्चों में है तो फिर माओं को ये ध्यान रखना है कि अगर उनको बुखार रह रहा है तो आप उनकी बॉडी चेक करते रहें कि रेडनेस. जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में जो है वो दाने बनना शुरू हो जाए, रैशेज होना या उनको इचिंग शुरू होगी. अच्छा, स्पेशली विंटर्स में होता है या किसी सीजन में? बेसिकली ऑल ईयर राउंड होता है, ज्यादातर उस वक्त होता है जब आपकी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, कुव्वत मदाफियत कम होती है ना आपकी इम्यूनिटी. तभी मैं कहता हूँ बच्चों को, बड़ों को, हम सबको विटामिन जरूर लेने चाहिए, बिकॉज देखिए फूड इज नॉट प्योर. ठीक है ना, और हमारे लाइफ स्टाइल्स भी काफी हेक्टिक है, तो एक विटामिन सुबह जरूर खाया करें, क्योंकि विटामिन आपको बचाता है. ठीक है, आप सुबह विटामिन, बच्चों में सिरप्स आती हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड देयर साइज, और बड़ों के लिए भी सिरप्स आती हैं, विटामिंस भी आती हैं. अगर वेट लॉस करना है उसकी भी विटामिंस आती हैं, वेट गेन करना है उसकी विटामिंस आती हैं. विटामिंस बेसिकली हमें बचा रही है, कुव्वत मदाफियत दे रही है, क्योंकि मैं बहुत चिकन पॉक्स पेशेंट देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी पेशेंट से नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसलिए भी मैं विटामिंस खाता हूँ, मैं ख्याल रखता हूँ अपना, अपनी नींद का ख्याल रखता हूँ, अपना शेड्यूल में मैं अपनी टाइमिंग सही रखता हूँ. मैं बार बार टीवी पे भी कहता हूँ सर्कैडियन रिदम बहुत जरूरी है. आजकल मैंने देखा है कि रात में लोग रात भर मोबाइल पे लगे रहते हैं, सुबह ऑफिस जाते, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, रास्ते में देख रहा हूँ लोग सोते हुए जा रहे हैं अपने ऑफिसेज या कॉलेज और या स्कूल. दिस इज सो बैड. मैं समझ गया रात भर मोबाइल पे लगे होंगे, पबजी या कोई ऐसा गेम खेल रहे होंगे, दिस इज रॉन्ग. रात दी है सोने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है. और जो हार्मोन रिलीज होते हैं दैट मेक्स यू रिलैक्स, आपको हेल्दी रखते हैं, आपको फ्रेश रखते हैं.
लेकिन अगेन आपको खुद थोड़ा सा प्रिंसिपल अपना लाइफ का सेट करना होगा. तो और रात दिन में आप कितना भी सो लें, जब तक आप रात की नींद नहीं लेते आपको वो तवानाई, वो आपको कुव्वत नहीं मिलती. अच्छा, बुखार के बाद आपने कहा कि इसमें रैशेज होना या दाने बनना शुरू हो जाते हैं, एक या दो दाने बॉडी पे सामने या पीठ पे आपको दिखते हैं, तो आपको सबसे पहले चिकन पॉक्स का ही ख्याल करना चाहिए. बहुत कॉमन है, हमारा ज़्यादा वायरसेस भी हैं, हमारी इम्यूनिटी भी लो है, फिर बच्चे बाहर का गंदा कुछ खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, तो ये आपको लग सकती है. दूसरा इसके अंदर एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको बेंथिया वीकनेस लगेगी, भूख नहीं लगेगी आपको, ठीक है, तो और फीवर 102 तक भी जा सकता है, ठीक है. तो सबसे पहले रिपोर्ट करें डॉक्टर को, ठीक है, दिखाएं डॉक्टर को अपने रैशेज, जरूर दिखाएं. आपने बहुत अच्छी बात की, माओं का ये जरूर काम होना चाहिए कि बॉडी चेक करते रहें कि कोई रैशेज या कोई ऐसे दाने तो नहीं निकले, तो वो खुद भी काफी हद तक बता सकती हैं कि इसको हो सकता है चिकन पॉक्स हो, लेकिन डॉक्टर ही उसको कंफर्म करता है. राइट, इसके लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है. इचिंग होती है तो अक्सर जो है वो इचिंग करने की वजह से जो है वो आपके स्कार्स रह जाते हैं. तो आई रिमेम्बर कि मेरे तो साथ जो है ना वो कॉटन रख दी जाती थी कि अगर आपको यहाँ कोई बहुत नरम मलमल का कपड़ा, कि जब भी आपको इचिंग हो तो आप उस कपड़े से इचिंग करें ताकि स्किन पे आपके स्कार ना आ सके. बल्कि अगर आपको याद हो तो एग्जाम में नीम के पत्ते भी दिए जाते थे, नीम के पत्तों से किया गया था. मुझे ये तो याद है उससे बात का कहा गया था, बात का कहा गया था. अच्छा, एक मैंने एक एसी स्प्रे बनाया, एसी उसका नाम ही एसी है, उसके अंदर एक वन टेबल स्पून और वन ग्लास ऑफ वाटर और कैलामीन लोशन, या मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में रख लें और जहाँ जहाँ आपको इचिंग हो वहाँ पे आप लगाते रहें. कैलामीन लोशन बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है. नॉर्मली भी अगर आपको कभी होता है ना ड्राइनेस हो जाती है, ओवर ड्राइनेस, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा होता है और घर वाले परेशान होते हैं. एहतियात क्या होनी चाहिए, बचाव कैसे मुमकिन है, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए एक और बड़ी रेलिवेंट पर्सनैलिटी, माशाल्लाह से बहुत अरसे से काम भी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन भी हैं, डॉक्टर आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं. इस्लाम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चिकन पॉक्स, खसरा, बहुत ज़्यादा बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है तो उनमें ज़्यादा होता है. सो आप कुछ क्या गाइड करना चाहेंगे बेसिकली पेरेंट्स को कि वो एहतियात कैसे करें, और अगर जिन बच्चों को हो गया तो उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा टॉपिक आपने रखा है चिकन पॉक्स के ऊपर और मेजल्स जो खसरा हम लोग कह रहे होते हैं. तो यही एक सबसे जो हम लोग ज्यादा जोर दे रहे होते हैं सना, जो बड़े अरसे से हम लोग जोर दे रहे हैं वैक्सीनेशन. एग्जैक्टली, स्टार्ट ही उससे किया. बाद ही मैं आपको बताऊं कि एक कुरानी आयत का तर्जुमा मैं कोट करता हूँ जगह कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे. वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल होती है और हम लोग लगाते नहीं है उसके ऊपर. इवन नमूनिया की आप देखें, हर साल हमारे कितने बच्चे से एक्सपायर होते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन है, सारी अवेलेबल है गवर्नमेंट की, हर जगह हर डिस्पेंसरी बनी हुई है, और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है गवर्नमेंट वैक्सीन और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ वो सर्विस चार्ज करते हैं. तो अब वैक्सीन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट. अगर हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो हम अपने बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं. ऑल्दो चिकन पॉक्स इतना आपको लाइफ वो नहीं होता, लेकिन फिर भी बड़ों में ज्यादा खतरनाक होता है, डॉक्टर काशिफ बताएंगे. अगर बच्चों में अगर हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो हम अपने बच्चों के अलावा और मैं कहता हूँ मोहल्ले के बच्चों को भी सेव कर सकते हैं, स्कूल के बच्चों को सेव कर सकते हैं. सिर्फ ये हमारी अपनी बच्चों की बात नहीं होती. इवन अभी मुझे याद है मिजल्स की वैक्सीन हुई थी पूरे सिंध में, आई थिंक कराची में पूरे उसमें हो रही थी, तो मैं उनसे ये बात करता हूँ, मैं अगर आप नहीं लगा रहे तो ये आप खतरा कर रहे हो पूरे और बच्चों के लिए भी, क्योंकि अगर एक बच्चे को होगा तो उसे स्प्रेड होगा और हर बच्चे को हो सकता है, पूरे इलाके में फैल सकता है. और हमने देखा है लास्ट टाइम एक दो साल पहले जो मिजल्स है खसरा, उससे कितने बच्चे एक्सपायर हुए थे एनोरेक्सिया के अंदर. तो यही हम अवेयरनेस दे रहे होते अच्छा हैं. ये बात भी यहाँ मैं जरूर चाहूंगी कि जब हम लोगों को शऊर देते हैं या बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वैक्सीनेशन हो जाएगी तो आप कहें कि 100% क्योर हो गया. बट अगेन फिर मैं ये कहूँगी ये बहुत ही तकलीफ दे होता है, इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा होती है उन लोगों में जिनमें वैक्सीनेशन ना हुई हो. ऐसा ही है डॉक्टर? बिल्कुल, बड़ी आपने अच्छी बात की कि जिसको वैक्सीन लगी हुई होती है ना, अगर उनको होता भी है ना तो वो इतना ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता. जैसे मिजल्स की हम बात करें, खसरा की आप कहें, तो अगर होता है हो जाता है बच्चों को, लेकिन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं जाती, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है. उसमें नमूनिया हो जाता है, इंसेफ्लाइटिस हो जाता है. अच्छा, जो बच्चों के लिए जिंदगी मैंने देखी, एक्सपायरीज देखी है इस एक बीमारी से और बीमारियां भी होती हैं. कॉम्प्लिकेशंस अगर ये ज्यादा हो जाए तो अगर इसको प्रॉपर अगर ये बहुत सवेरली आया किसी को तो इसमें नमूनिया, सवेर नमूनिया हमने देखा. आईसीयू में हमने पेशेंट एडमिट किए, आइसोलेट करके एडमिट करना पड़ता है. फिर एंसेफ्लाइटिस, ब्रेन, उसमें झटके भी आ सकते हैं बच्चे को, क्रिटिकल कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है. अच्छा, तो इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, और फिर जब ये हो जाए तशखीस के इसमें चिकन पॉक्स है, तो फिर क्या मेडिकेशन क्या है, एहतियात क्या? बिल्कुल, देखेंगे ये चिकन पॉक्स हो गया या मिजल्स हो गया या और वायरल डिजीजेस हो गई,
सबसे पहले जैसे बाद में कहता हूँ हमेशा कि आप ज़रूर कोई अगर पेरेंट्स हैं उनको लग रहा है बच्चे कुछ थोड़ा सा आप उनको डिफरेंट लग रहा है लाइक थोड़ा सा स्लो है थोड़ा सा बुखार हो रहा है कोई और वजह आ रही है तो वो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें और या उन्हें कहीं लगता है कोई दाना है या कोई रैशेस हुए हैं देखें हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट है जो चिकन पॉक्स के होते हैं वो ब्लिस्टर्स फॉर्म में और रोज़ पेटल डॉक्टर काशिफ इसको और ज़्यादा वो करेंगे और बड़ा अच्छा आपने रखा कॉम्बिनेशन क्योंकि इस आगे से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि यार ये स्कार कैसे जाएंगे और मैंने पहली बात ये कही कि स्कार मुझे बड़ा अच्छा लगा है क्योंकि ये बड़ा एक डर्मेटोलॉजिस्ट का इसमें रोल आता है कि लोग बड़े परेशान हो जाते हैं स्कार और सारी चीजें तो वो अब डॉक्टर तशखीस करेगा कि ये आया क्या है अगर वो कभी कभार वो उस वक्त इतने फॉर्म में नहीं आते जो अपनी ओरिजिनल शेप है उसमें नहीं आते तो वो फिर हम उनको समझाते हैं कि आप इसको उसमें नजर रखनी है जैसे मिजल्स की एक करेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि वो ऊपर से शुरू होता है मिजल्स के जो रैश होते हैं वो हमेशा ऊपर से आते हैं कान के पीछे से ऊपर से नीचे जाते हैं ठीक है तो उसकी एक करेक्टरिस्टिक फीचर होती है हिस्ट्री बड़ी कॉमन इसमें आ जाती है कि पेरेंट्स से हम पूछते हैं कि जी क्या है हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ था क्या हुआ था ऐसे जैसे चिकन पॉक्स के वो रोज पेटल टाइप होते हैं तो इनमें फिर आप डॉक्टर के पास जब आप जाते हो वो आपको फॉलो करता है और अगर आ गई है ये सारी चीजें डेवलप तो बड़ा आसान है इजीली डायग्नोस हो जाता है ठीक है डायग्नोसिस होने के बाद इसमें जिस तरह अभी डॉक्टर काशिफ भी कह रहे थे नो एंटीबायोटिक्स इसके लिए कोई मेडिसिन वैक्सीनेशन तो उस टाइम पर नहीं हो सकती नहीं, ना नहीं, अगर नहीं, वो तो प्रिवेंशन देखें आप सिम्पटोमेटिक ट्रीट करते हो अब ये वायरल की कोई भी डिजीज हो उसके कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता लेकिन जैसे मैंने कहा अगर ये कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है सही अगर कोई और इसमें इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है सुपर एडेड डिसइंफेक्शन या और कोई कॉम्प्लिकेशन चली जाती है मतलब देन यू हैव टू गिव तो एंटीबायोटिक फिर वो आप एडमिट एडमिशन तक बात चली जाती है इट डिपेंड्स कि वो है क्या लेकिन सिंपल जो है इसमें डिपेंड करते हैं कि क्या अगर वो सिम्पटोमेटिक आप ट्रीट कर रहे हो तो आप इसमें कोई इसमें अपने टाइम से स्टार्ट होगा और खत्म हो जाएगा अच्छा मैं ये आप जो बात कह रहे हैं ना ये बड़ी कॉमन लोगों में है कि जी ये अपना टाइम लेगा 6 दिन 7 दिन बल्कि इससे ज्यादा हो जाता है इसको और कभी कभी 10-11 दिन तक ये चला जाता है उसके बाद ये ठीक हो जाएगा बट क्या आप लोग ये ज़रूर प्रेफर करेंगे कि इस पूरे टेन्योर में या टाइम पीरियड में 1 से 2 मरतबा अगर नॉर्मल भी है मतलब बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं भी है तो 1-2 मरतबा डॉक्टर को विजिट कर लिया जाए ताकि एहतियात रहे और अगर कॉम्प्लिकेशन होता है टाइम इसका होता है 2 से 3 हफ्ते उसमें ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है अगर आप कुछ ना करें सिर्फ पैनाडोल पीते रहें कैलमिन लोशन लगाते रहें लेकिन डॉक्टर जैसे डॉक्टर आतिफ ने बहुत अच्छी बात की कि एक पॉइंट ऐसा था जो आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है आप देख रहे हैं कि फीवर बहुत हाई हो रहा है गला भी खराब हो रहा है उसके चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको एंटीबायोटिक भी स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर उस स्टेज पे चला गया पेशेंट को ये ऐसे जैसे डॉक्टर काशिफ को सेकंड हम लोग इसको फॉलो करें अगर एक नॉर्मल है वो खुद अगर आपको लगता है जैसे कोई खुदा ना खासा एक डेंजर साइंस भी मैंने हम लोगों को बताते हैं कि खुदा ना खासा कोई नेजल फ्लेयरिंग हो रही है नत्ते फूलने जैसे कह रहे हैं सांस तेज चल रही है या कोई पसलियां चल रही हैं जो ये एक डेंजर साइंस होते हैं इसमें तो आपको फॉरेन हॉस्पिटल लेके जाना है लेकिन जो अगर बच्चों में हुआ हुआ है चिकन पॉक्स है ये अपने टाइम से इसमें बुखार होता है आप सिम्पटोमेटिक ट्रीट कर रहे होते हो आप कहते हो जी ये पैरासिटामोल आप ले लें हर 4-4 घंटे बाद या और वाटर इंटेक आप इसमें बढ़ा दें एंड एलर्जिक कोई ले लें इसमें और कैलमिन लोशन जैसे वो आप बॉडी के उस पर लगा लें ताकि जरा ठंडा रखता है वो राइट अच्छा एक ब्रेक लेते हैं फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डाइट के बारे में भी बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी पूछेंगे कि अगर स्कार्स रह जाएं या और कॉम्प्लिकेशंस हो तो क्या करना चाहिए आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान वंस अगेन वेलकम बैक यूटा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं चिकन पॉक्स या खसरा जिसे कहा जाता है इसके वाले से हम बात करें कि वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है लेकिन फिर भी अगर ये हो जाता है तो इसमें एहतियात क्या बरतनी चाहिए अब फिर ये कहूँगी ये लगने वाली बीमारी ज़रूर है लेकिन ये अछूत नहीं है फ्लू भी लग जाता है बाकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं सो जस्ट टेक इट नॉर्मल किसी शख्स को और डिप्रेस ना कर दें क्योंकि ऑलरेडी ये बीमारी ऐसी है जो आपको डिप्रेशन में ले जाती है ऐसा है डॉक्टर आतिफ और डॉक्टर काशिफ भी मौजूद मतलब है मुझे ऐसा भी हो चुका है चिकन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा अपने आप को क्योंकि आपकी शक्ल भी बिगड़ने लग जाती है आप अपनी बॉडी पर लोग भी आइसोलेट कर देते हैं ना आपको मतलब मुझे खुद याद है मुझे हुआ था चिकन पॉक्स व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर एमबीबीएस डाउ मेडिकल में जब मैं था तो उस बारे में यही था इतनी अवेयरनेस नहीं थी और एकदम अलग कमरे में बिठा दिया और वो नीम के पत्ते आ गए है ना वो सारा वो होता है और ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते अच्छा। नहा नहीं सकते वो सब गलत कॉन्सेप्ट्स देखिए जब तक क्रस्ट होते हैं ना आपके उस वक्त तक आप इन्फेक्टेड स्टेज पर हैं जब क्रस्ट आपके हो गए
फिर आपका इन्फेक्शन का स्टेज खत्म हो जाता है. इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 3 हफ्ते होता है. लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, क्योंकि लोग भी कहते हैं ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, आप सब कुछ खा सकते हैं, बस वो चीजें ना खाएं जिससे आपको इचिंग होने का खदशा है. राइट, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ख्याल रखना. ये एक और चीज, क्योंकि इसमें टेम्परेचर होता है, बुखार होता है, तो हमारे यहाँ जब भी बुखार की कंडीशन होती है तो बिल्कुल पानी से दूर कर दिया जाता है. और फिर उसके साथ साथ विजिटर्स भी हैं तो ये कहा जाता है कि नहीं जी इसमें बिल्कुल नहीं नहलाना, 5-5, 10-10 दिन उसी कंडीशन में रखा जाता है. क्या करना चाहिए डॉक्टर? यही बात है, हमारे कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है. हमारे यहाँ बुखार में सबसे पहले मैं लोगों को यही समझा रहा होता हूँ कि आप चेक करें बुखार, फिर मेडिसिन दें उसकी. और टेम्परेचर का मतलब है बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आपको उसको ठंडा रखना है थोड़ा सा. अच्छा, आप अगर बुखार, लॉजिक समझें इस बात का, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है आपको, आप टेम्परेचर कम करने के लिए आप क्या करते हो, रूम एनवायरनमेंट अच्छा करते हो थोड़ा सा. हाँ, आप कपड़े हल्के करते हो, सही है ना, आप कपड़े हल्के करते हो. आप जब बुखार तेज हो रहा है आप एंटी जो इसकी आप पैरासिटामोल दें, जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं वो दें, उससे बेहतर हो जाता है. लेकिन आप और ऊपर कवर कर दो तो और बुखार जारी बात है. लेकिन अक्सर शिवरिंग भी होती है ना, वो बुखार तेज होता है, वो बुखार तेज, उसमें अगर आप उसको जैसे बच्चे हैं स्पंजिंग कर ले होते हैं, हम उनकी मेडिसिन ना पा, छोटे बच्चों की बात करूँ तो जब वो स्पंजिंग होती है बुखार नॉर्मल जाता है, खुद ब खुद रुक जाती है. बुखार हाई ग्रेड होता है उसकी वजह से हो रही होती है, उसको हमें नॉर्मल करें तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है. अब उसमें है कि सफाई निस्मान है, हमें सफाई अपने साथ रखनी रखनी होती है इसमें. और डाइट बढ़ा, हमारी प्रॉब्लम होती है जैसे बुखार है खाना बंद हो गया, खाना क्यों बंद हो गया, आप उसकी बॉडी अभी वीक है तो हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है. हम पहले तो वीक है बंदा, हम खाना भी बंद कर देते हैं और बंदा वीक हो जाए. यू नो, जब आप बुखार में हो तो आपको थोड़ा सा अपने आपको एक्टिव रखना होता है. और ये नहीं कि अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो वैसे ही आप लेजी हो गए. अच्छा, लेकिन बुखार इसमें तो कहा जाता है चिकन पॉक्स में स्पेशली कि स्पाइसी और इस तरह के खाने थोड़े कम कर दें. तो बिल्कुल देखिए, वो आप अगर फीवर है या आपकी थोड़ा सा कोई भी आपको डिजीज हुई हुई है तो आप उसमें आप स्पाइसी तो आप भूल जाएं. आप घर का हेल्दी डाइट लें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, नॉर्मल डाइट लें. डॉक्टर काशिफ ने बड़ी अच्छी बात की कि जो चीज़ से आपको एलर्जिक है वो अवॉइड कर दें बिल्कुल. आप सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं, चपाती आप ले सकते हैं, चपाती मना नहीं होती. आप बड़े कॉन्सेप्ट में बुखार हो तो रोटी नहीं देनी, बड़ा परेशान. पानी का इंटेक आपने कहा ज्यादा, रोटी तो बिल्कुल बंद कर दी जाती है. वो तो मैं हैरत कर गया, मैंने कहा यार रोटी बेचारा वैसे ही वीक है और आप गंदम दे ताकि उसको ताकत मिले, और बेचारा क्या करेगा, लाइक वो क्या चाय तो उस पर वो गुजारा कर रहा है ऐसे, तो और वो फिर वीक हो जाएगा. आप चपाती दें, घर का खाना दें, कम मिर्चों वाला खाना दें, कम घी ऑयल वाला खाना दें, जो एक नॉर्मल डाइट होती है आप उसको वो दें. उसको वाटर इनटेक आप बहुत बढ़ा दें. और सेकंड देखें बात, अगर किसी को हुआ हुआ है ना बच्चों को, तो पेरेंट्स में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा स्कूल से अवॉइड करें. देखें ये एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा हमें इसका ख्याल रखना होता है. ये ऐसी खुदा ना खासे कोई ऐसी नहीं है कि जो क्या चीज़ होगी सही हो जाना है, थोड़ी सी नॉर्मल एक वायरस डिजीज है जो बेहतर हो जाती है. फ्लू जैसे मैं सर्टिफिकेट डॉक्टर का जमा करवा देते हैं, आप छुट्टी ले लें जरूर. अगर किसी को आपको शक है आप डॉक्टर को दिखाएं और आपको लग रहा है तो प्लीज आप छुट्टियां करें बच्चों की, क्योंकि स्कूल में जाएगा और स्प्रेड होगा, हर बच्चे को फैलेगा. क्योंकि फिर इसमें मास्क लगाएं, क्योंकि खांसी ये अगर कोई खांस रहा है या उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है. तो अब हमारे यहाँ मास्क का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, हम मास्क लगाते जिसको खांसी हो उसके सामने खांस रहा है, लाइक अजीब एक. आप घर में भी अपने आपको थोड़ा सा ख्याल करें कि जब वो उसको एक मास्क लगा दें, हाँ उसके बर्तन अलग कर दें, खाने पीने की चीजें जो बिल्कुल है उनको अलग कर दें कुछ टाइम के लिए. ठीक है, फिर थोड़ा सा ये है कि ऐसे कोई नहीं कि खुदा ना खासा कोई. अच्छा, इसमें ये प्रिवेंशन जरूरी है, लेकिन इसके साथ अगेन मैं फिर वो डॉक्टर साहब से चाहूंगी कि इस बारे में क्लियर करें कि जो स्कार्स हो जाते हैं, ये पीरियड गुजर गया किसी ने इचिंग के स्कार्स रह गए फेस पर या बॉडी पर, तो एक तो स्कार्स ना रहें उसके लिए क्या करना है, और अगर स्कार्स रह गए हैं तो अब क्या करें? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं तो पेशेंट को सबसे पहले इचिंग कंट्रोल करता हूं उनकी. ओके, उनको सुबह भी इचिंग की टैबलेट देता हूं, रात में भी देता हूं. जब इचिंग नहीं होगी, जब चिकन पॉक्स अगर होता है या मीजल्स होते हैं, क्योंकि अगर ख़ारिश आपको नहीं होगी तो फिर आप उसको खुजाएंगे नहीं. और ये एजुकेट किया जाता है कि आपके जितने बड़े दाने हो जाए फेस पर या सर पर उसको खुजा के निकाले नहीं, क्योंकि काफी डीप जाते हैं. शीशा मत देखें, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, होता है ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इतना स्ट्रेस मत लें. अच्छा, क्योंकि क्या होता है, आप जब वो दाना खुरचते हैं तो काफी डीप होता है वो, अगर डर्मिस तक चला गया तो उसका स्कार ठीक होने में बड़ा टाइम लगता है. आपको पता है मेरे साथ कितनी ट्रेजेडी हुई थी, जिन दिनों मुझे ये कंडीशन ये खत्म हो रहा था तभी मुझे NIC की पिक्चर बनवाने के लिए जाना था. तो एक अरसे तक जब तक वो NIC एक्सपायर नहीं रहा वो बुरी पिक्चर उस पर रही, तो वो इसलिए मुझे तो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो एक बुरी लगती है ये बीमारी ना, कि बहुत डिप्रेशन में ले जाती है. मुझे लगता है पहले बहुत ज्यादा इसको लोग हवा बना लिया करते थे, बहुत ज्यादा मुश्किल. जैसे मैं अभी सर्जरी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज में, तो हमारे पास सर्जरी के पेशेंट्स जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी टांके लगे हुए हैं तो दूध नहीं पीना है और चावल नहीं खाने. अच्छा, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है उनके दिमाग में कि टांके पक जाएंगे.
हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, हमें न्यूट्रिशन डॉक्टर और आतिफ ने कहा कि न्यूट्रिशन तो और देना होता है ताकि जल्दी हीलिंग हो, वाइटमिन्स मिले। और अगर स्कार्स रह गए तो क्या करें? स्कार रह गए तो ऑफ कोर्स जितना जल्दी आप हमारे पास आए उतना हम जल्दी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। स्कार हील जेल्स आए हुए हमारे पास, वाइटामिन सी क्रीम्स आए हुए। जो लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, आपको जहां जहां देखा जाए वो क्या करें? नो प्रॉब्लम, वो एक वाइटामिन सी क्रीम होती है उसको लगाना शुरू कर दीजिए। वाइटामिन सी कोलेजन बनता है, ठीक है, उसको फॉरन जैसे स्कार से भरना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आप कोशिश करें कि आप वाइटामिन सी खाया भी करें, जैसे अचार की जगह नींबू आप लीजिए, लेमनेड लीजिए, ऑरेंजेस बहुत अच्छे हैं जी, बिल्कुल। विटामिन सी जितना आप खाएंगे तो उतना भरने में आपको आसानी होगी। ओके राइट, तो ये एहतियात है, विटामिन सी का इस्तेमाल स्कार से आपको बचा सकता है। डॉक्टर आतिफ, आपने एक चीज का जिक्र किया और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको भी आप क्लियर करें, जो निमोनिया है या पसलियों का चलना है, ये भी मीजल्स के साथ या चिकन पॉक्स के साथ होता है, इसकी क्या अलामतें होती हैं? देखिए वही हमने बात करी कि जब किसी को हो ये चीजें सारी, ये लंबे पीरियड की सारी चीजें होती हैं, और हाई ग्रेड फीवर अगर जब आ गया है तो आपको बच्चे को असेस करना है, डॉक्टर के पास जाएगा, वो देखेगा, डायग्नोस करेगा कि मीजल्स है, चिकन पॉक्स है या कोई और वायरल डिजीज है। अगर मिजल्स है उसके साइंस होते हैं, आँखों से पानी बह रहा होता है, खांसी एक होती है क्रोइज़र टाइप की, तो पैटर्न से हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं ऐसे चिकन पॉक्स है। उसमें फिर हमें देखना होता है बच्चा किस तरफ जा रहा है, यूजली बुखार आया सही हो गया, अगर कंटिन्यूसली हाई ग्रेड फीवर जा रहा है या कोई और प्रॉब्लम सवेयर इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है, बच्चा बेहतर नहीं हो रहा है, तो फिर वो डॉक्टर फॉलो, जब भी मैंने कहा उसको फॉलो कराते रहने, एक है बच्चे को हुआ है, बच्चा नॉर्मल है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बहुत माइल्डली होता है, बिल्कुल स्लाइटली सब पता भी नहीं चलता कि ऐसे चीज़ें हुई हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है बच्चा के डिस्ट्रेस में जा रहा है, जैसे मैंने जो साइंस बताया तो इसके फिर ये कॉम्प्लिकेशंस में जा रहा है, तो इसमें फिर आपको फॉरेन हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, इसके बड़ी आपको पता है बहुत क्रिटिकल कंडीशन तक चली जाती है बात, एक्सपायरीज हमने देखी है इसके साथ, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। तो जब आपको लगे कि यार बच्चा, क्योंकि यू नो इट, क्योंकि आप जब होते हो साथ तो पता चल रहा होता है कि कितना ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे डेंजर साइन आपको नजर आए आपको फौरन। अच्छा, बच्चा जो है वो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है वो एक तो किसी और के पास नहीं जा रहा होता, घबरा रहा होता है, माँ के या पेरेंट्स के ज्यादा करीब होता है, अब पेरेंट्स तो खुद से अलग नहीं कर सकते बच्चों को, तो अब ये वो वाली कंडीशन है जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये कंटेजियस डिसीज है, और पेरेंट्स जो है माँ का खास तौर पर बच्चे से कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग और करीब होता है, तो फिर माँ कैसे एहतियात करे ऑफ इन केस अगर वो उसने उसके तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर ये चिकन पॉक्स हो जाए तो, हाँ, अगर खुदा ना खास्ता उनको प्रेगनेंसी में अगर कोई भी डिजीज हो जाए, मैं आपको बताऊँ इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसी कोई वायरल डिजीज हो जाए तो फिर तो बहुत ही बच्चे के लिए नुकसानदेह, जो न्यूबॉर्न आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो बहुत हम समझ यही करना पड़ता है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मदर को आप बच्चे से अलग करें, लेकिन वो करना पड़ता है, आपको बेसिक चीज़ें सारी करनी करती हैं फॉलो, और जैसे कहते हैं कि जो प्रेगनेंट हो तो थोड़ा सा उनको अलग कर दें, या वो अगर कहीं और जा सकते हैं, अगर मदर नहीं कोई और किसी को हुआ हुआ है तो वो जैसे ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, और प्रिवेंशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए उनकी, और बच्चे को अगर देखें, अगर ये किसी को एक दफा हो गया है तो बच्चों बड़ों में इतना नहीं होता फिर, सही है कि बहुत लेस लाइकली कि किसी को बड़े जाके मिजल्स हो या चिकन पॉक्स हो, यूजली बच्चों में हो जाते हैं और फिर दोबारा नहीं होते। एक दफा वो डेवलप कर लेते हैं उसके बाद वो बहुत ही लेस लाइकली अगर किसी को दोबारा डेवलप हो चुका, लेकिन यूजली नहीं, अदरवाइज नहीं होते, एक ही बार होते हैं दोबारा, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। प्रेगनेंसी में अगर हो तो फौरन हम एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें हर तरह से उसको ठीक करना है। उसमें हम जनरली जो होता है, अगर औरत प्रेगनेंट ना हो, नर्स नहीं कर रही है, तो हम शायद एंटीवायरल ट्रीटमेंट इतनी जल्दी स्टार्ट ना करेंगे, इसमें हम जरूर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वायरस का देखिए मेन जो होता है, वायरस जो होता है, देखो आप कॉमन से अगर उठाएं जड़ से तो फ्लू से स्टार्ट होता है इन्फ्लुएंजा, तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ, नस्ला और जुकाम ये इन्फ्लुएंजा कहलाता है, और फ्लू है, इसमें कॉफ भी होती है, ठीक है। फ्लू एक वायरस की से होता है, ठीक है, इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं बार बार फार्मेसी वालों को खास तौर पे या जो केमिस्ट को कहता हूँ, प्लीज एकदम से आप लोग एंटीबायोटिक्स मत दिया करें, उससे रेजिस्टेंस आ रहा है और बीमारी बढ़ रही है, ठीक है। इसके अंदर वेदर की वजह से होता है और लो इम्यूनिटी, आपने बहुत अच्छी बात की थी, कुव्वत मदाफियत हमें बहुत अच्छी रखनी है, उससे हमें विटामिंस खाने हैं, नाश्ता खूब अच्छा करना है, स्लीप अच्छी करनी है, स्ट्रेस पे कंट्रोल करना है, ठीक है। साथ साथ कॉफ जो होते हैं किसी वेदर में भी हो सकते हैं, और दो तरह के होते हैं कॉफ, एक तो ड्राई होता है, इसके अंदर कॉफ सप्रेसेंट देते हैं जो कॉफ को कम करे, एक प्रोडक्टिव होता है जिसमें बलगम आता है, वाइट रंग का आ सकता है, येल्लो या ग्रीन,
ठीक है, और इस पे एक्सपेक्टोरेंट हम देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट वो होता है जो कि आपकी खांसी को बाहर निकाले, आपका बलगम निकाले। लेकिन अगर आपका बलगम जो है दैट इज ग्रीन इन कलर, तो डेफिनेटली आपको सूडोमोनास जो कि एक इन्फेक्शन है और उसमें आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत है। ओके राइट। अच्छा, बच्चों के अलावा ये किसी भी एज में हो सकता है डॉक्टर काशिफ? इसकी कोई एज लिमिट नहीं है? किसी वक्त भी हो सकता है। यूजुअली सारी चीजें ये बच्चों में हो जाती हैं, एक दफा छोटी उम्र में हो जाती है। एडल्ट्स में ज्यादा खतरनाक है? एडल्ट्स में कोई भी हो, मम्स हो, मिजल्स हो, चिकन पॉक्स हो, ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। इवन मिजल्स और मम्स बहुत ही ज्यादा, इवन बहुत ज्यादा। तो जो बच्चों में अगर हो जाता है तो इट्स लाइक ओके, लाइक आप ट्रीट कर सकते हो। उसमें मिलता है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज कम है। राइट, एहतियात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के ज़रिए आपने सीखी होंगी। इंशाल्लाह मज़ीद भी कुछ और मसाइल के हवाले से आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। बट डॉक्टर काशिफ थैंक यू सो मच आपका, डॉक्टर आतिफ थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और आप लोगों ने अवेयरनेस शेयर की। एक ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। शो पे इस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। कुछ लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, अल्लाह ताला की ख़ास अता होती है उन पर, और वो जिस भी काम की तरफ बढ़ते हैं उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी डेडिकेशन, उनकी डिवोशन और उसके साथ साथ अल्लाह की ब्लेसिंग, ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो एक बेहतरीन जो है वो शख्स अपने किरदार में लोगों के सामने आता है। आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ हैं ये बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर हैं, बहुत बेहतरीन म्यूज़िशियन हैं, लिखते भी हैं। इन्होंने बाकायदा म्यूज़िक को सीखा, समझा और माशाल्लाह से जो है वो अब बहुत खूब गा रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, बिकॉज जिनके ये बेटे हैं उन वो सब से मोहब्बत करते हैं और सब पाकिस्तानी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक ऐसा लिविंग लेजेंड मैं ज़िक्र कर रही हूँ, अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का, जिनकी आवाज़ से पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू आती है। जो पाकिस्तान के वो म्यूज़िशियन, वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया भर में जाके पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को रिप्रेजेंट किया है और अब अपने अब्बा के उसी खूबसूरत काम को, उस बेहतरीन अदा को उनके बेटे सांवल ईसा खेलवी जो हैं वो आगे लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान की यंग म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत खूब नाम, एक चमकता हुआ सितारा आज हमारे साथ मौजूद हैं। सो लेट्स वेलकम सांवल ईसा खेलवी। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और सावल आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और सावल के साथ एक और भी हमारे बहुत प्यारे से गेस्ट जो पहले भी आए हमारे शो पर, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें आपके साथ इन्होंने शेयर की। और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का अगर मैं ये कहूँ कि पहले, बल्कि पहले भी मैंने डिस्कस किया, पहले सिख एंकर ये रहे और बहुत खूब इस वक्त पीटीवी से अपना शो भी कर रहे हैं। सो सर जी मोबाइल छोड़ दीजिए और आज ये थे, आ जाओ तुसी हमारे साथ मौजूद हैं करणजीत सिंह। हां जी, कैसे हैं? कैसे हैं भाई? तो बहुत अच्छा गाते हैं। वेलकम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल? मैंने भी ताली बजानी है। आपने भी बजानी है? लेके चलो दोबारा बजा लेते हैं। ये ताली आपने काशिफ भाई के लिए बजाई है? नहीं, मैंने आपके लिए बजाई है। ओह थैंक यू। ब्लैक शूज, ब्लैक शर्ट, ब्लैक कपड़े। वो आज मैंने कहा ब्लैक डे, ब्लैक डे होना चाहिए। एक गाना मुझे याद है ना, कमीज तेरी काली तेरे सोने फूल, मैंने अपने इयररिंग में लगा लिया ताकि वो गाने का जो प्रोटोकॉल है वो पूरा हो जाए, क्योंकि वो आज हमने सुनना भी है। सो कैसे हैं आप सावल? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक। एंड म्यूजिक कैसा चल रहा है? एवरीथिंग इज गुड। माशाल्लाह। सो आजकल आप पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं? पाकिस्तान से बाहर यूएस में। अभी पाकिस्तान टूर पे आया हुआ हूँ। अभी कराची शो हुआ है, फिर उसके बाद फैसलाबाद और लाहौर, फिर अब्रॉड है परफॉर्मेंसेस। अच्छा, म्यूजिक इंस्पिरेशन थी या हमेशा से जिस घर में पैदा हुए वहाँ पर हमेशा बाबा को लोगों ने इतनी फैन फॉलोइंग देखी, इतनी मोहब्बत देखी, तो उनकी वजह से म्यूजिक की तरफ आए? इंस्पिरेशन क्या थी म्यूजिक? उनकी वजह से मैं म्यूजिक में बिल्कुल नहीं आया। म्यूजिक क्योंकि मैं शुरू से मैं था स्पोर्ट्समैन, कुछ इंजरी की वजह से मैं स्पोर्ट्स में नहीं जा सका, फिर मैं म्यूजिक की तरफ कुछ, फिर उस वक्त मुझे इंस्पिरेशन आई मुख्तलिफ आर्टिस्ट से, फिर फादर्स के मुझे बहुत से गाने पसंद हैं,
تو وہ انسپریشن کا باعث بنے. مگر اب بہت سے عرصے میں مختلف سورسز ہیں میوزک میں رہنے کی, میوزک کرنے کی, تو بہت سے آرٹسٹ ہیں, بہت سے ایکٹرز ہیں, بہت سے اور سورسز ہیں, تو وہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے. اچھا تو کون سے اسپورٹس کی طرف تھے آپ؟ کیا میں کرکٹ میں تھا. کرکٹ میں تھے تو ہمیں ایک انٹرنیشنل پاکستانی اسٹار ملتا اگر ہمیں ساول سنگر نہ ملتا. یہ تو اس کی ذات بہتر جانتی ہے. ہاں ایک پلاننگ ہم کرتے ہیں اور ایک پلاننگ جو ہے وہ رب کرتے. ترنجیت آپ جو ہیں یہ آئی برو کیوں اب اتنی اوپر ہو رہی ہے؟ اچھا یہ ویسے میرا خیال ہے سویرے سویرے جب نیند پوری نہ ہونا اور ہاں مطلب نہ بھی نہ کر سکتے ہاں بھی نہ کر سکتے. 11 بجے ایک شخص کہہ رہا ہے سویرے سویرے, تو پھر اگر کبھی صبح 5 بجے آنا پڑے گا تو پھر ترن کا میں سوتے نہیں رات کو. بات بڑی سمپل, 5 بجے آسان ہے, 8 بجے 10 بجے مشکل ہے. تاکہ آپ پوری رات جاگ کے جو ہے صبح. ترن کی لائف میں انسپریشن کیا رہی اس فیلڈ کی طرف آنے کے لیے, لوگوں سے ملنا, کیا انسپریشن تھی لائف؟ ویل میرے ساتھ بڑی اچھی ٹریجڈی ہے کہ میں کچھ بالی ووڈ کے کچھ آرٹسٹ جو پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں ان سے اسکول ٹائم میں کنیکٹ ہوا, کچھ کرکٹر سے. میں بھی کرکٹ کھیلتا رہا, یونیورسٹی کیپٹن تھا اور میں بہت اچھا میڈیم بالر تھا, اور پھر دین کچھ کرکٹر سے لگا تو مجھے لگا کہ میں ایک ایوریج کرکٹر ہوں, اپنے بارے میں بندے کو سچا ہونا چاہیے, تو میرے لیے کچھ نہیں ہے. تو میں تو اچھی خاصی اکاؤنٹنگ اسٹڈی پڑھ گئے ہوں. آئی ڈیڈ مائی ای سی سی ایکچولی, اور اکاؤنٹنگ پڑھنے کے بعد اس وقت جرنلزم پاکستان میں نیا نیا آیا تھا, اور مجھے ویسے بھی تھا کہ جرنلسٹ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے, سوسائٹی کو بڑا اچھا سدھارتا ہے. جرنلزم پر لیٹر آن انٹرٹینمنٹ کی طرف آیا, بٹ انسپریشن واز آلویز ٹو می سو مینی پنجابی آرٹسٹ فرام دلیر مہندی ٹو میکا سنگھ, دے فرام دا سنگنگ انڈسٹری. بٹ میرے لیے انسپریشن یہ تھی کہ ان لوگوں نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا اور مطلب ماسز کو جوڑا, اور میں نے تھوڑا سا سوشل ٹیبو توڑنا تھا. ٹو بی آنیسٹ ود یو, میں نے پاکستانی جب فلمیں دیکھی تھی اس زمانے میں تو سکھ کو عجیب سا غریب سا دکھایا گیا, اور بالی ووڈ نے بھی ان جانی لیور کو دکھایا, تو ہمیں لگا کہ یہ جو کلچر ریپرزنٹیشن اس کی بیٹر فیلنگ ہونی چاہیے, تو یہ کرنا چاہیے. اور مائنڈ یور لینگویج ایک شو چلتا تھا, اس میں بڑا اچھا لگتا تھا یہ کریکٹر پلے کرنا, تو اس طرف تو نہیں سوچا تھا کہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جاؤں گا. میں نے بیسیکلی جرنلزم کی طرف, پروگرام اینکر, رپورٹنگ یہ کرتا رہا, لیکن دین تو ٹیبو پنجابی لینگویج ایکچولی اینڈ پنجابی آرٹسٹ ہو کیم فرام اے 2% انڈسٹری اینڈ تھرو دا انٹائر انڈسٹری اور 80% پہ چھا گئے, وہ امپیکٹ میرے لیے تھا کہ یار پنجاب کے لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے نکلتے ہیں اور پھر اسمیش کرتے ہیں بامبے کو, تو وہ ایک تھی کہ یار کرنا ہے تو کچھ الگ کرنا. اگر ہم وہاں کے انڈیا کے پنجاب کی یا پاکستان کے پنجاب کی بات کریں, میوزک بہت آیا پنجاب کے سائڈ سے شامل, ایسا ہی ہے چاہے میوزیشینس کی بات کریں ہم یا سنگرس کی بات کریں, اس سائڈ نے اس کلچر نے بہت زیادہ ہمیں میوزک دیا. ایبسولیٹلی. اینڈ ہیومر کے ہیومر بھی بہت ہے اس سائڈ پر ان تمام چیزوں میں. اچھا ٹیبو سیٹس ہوتے ہیں کچھ ہمارے یہاں, کلچرل ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں کہ جب ہم کسی ایک کو دیکھتے ہیں اور اس کی ایک لائف کی لمبی اسٹرگل ہوتی ہے, جیسے اگر ہم آپ کے فادر کی بات کریں تو کمپیریزن کرتے ہیں لوگ, ایسا ہوتا ہے, مشکل لگتا ہے کبھی کبھی اس چیز کو توڑنا یا اس کو ڈسکس کرنا؟ کمپیریزن تو مجھے ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا, وقت بتائے گا کہ کیا آگے کیا فیوچر میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, وہ کہاں لے کر جاتا ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ رہے گا, اس میں یہ ہے کہ میں نے کبھی اس موضوع پہ سوچا ہی نہیں. اب لوگ ہاں مجھے اکثر میرے فادر بھی کہتے تھے, جیسے میرے فادر ایک انڈسٹری میں جب کھڑے ہوئے, جب نام ان کا ہوا, ان کے اپنے ایشوز تھے, ان کی اپنی اسٹرگل تھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اسٹرگل کر لی ہوئی ہے تو مجھے وہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. تو ساول نے بھی اتنی اسٹرگل کی. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے آپ کے دل میں جگہ کرنی ہے تو میں آپ کو چیک نکال کے دوں گا کہ یار یہ اتنا ہے, آپ میری دل میں جگہ کر لیں. 10 منٹ کے لیے کریں گے, 15 منٹ کے لیے کریں گے, اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا, چیک لے گا, آپ کو کر دے گا. تو ایسے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میں نے دل میں آپ کی جگہ کرنی ہے تو مجھے اپنے آرٹ پر کام کرنا ہوگا اور دل سے کرنا ہوگا. یہ ایک بزنس اسٹریٹجی یا ایک بزنس نہیں ہے جس میں میرے فادر سیٹ سے اٹھیں گے اور میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. وہ اگر ایسا ہوگا بھی صحیح تو وہ ایک سال ہوگا, 2 سال ہوگا, چند عرصے کے لیے ہوگا, اس کے بعد اور وہ بھی اگر میں لکی ہوں گا تو اتنا ہوگا. تو مجھے زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا, جو کہ میں بلیو کرتا ہوں پرسنلی کہ کوئی بھی کام کرے انسان اس کو اچھی نیت سے کرے, کیونکہ میں اپنے ساتھ تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا. میں آپ کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں, میں ترنجیت کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں, میں اپنے ساتھ تو نہیں جھوٹ بول سکتا. اور آپ اگر اپنے پروفیشن کے ساتھ ہی آنےسٹ نہیں ہیں تو پھر آپ ایک اور مزے کی بات یہ ہے
कि देखिए जब आप कहते हैं ना कि लेगेसी चलती है, लेगेसी आपको प्लेटफॉर्म तक जरूर लेके जाती है, इजी हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि कहाँ क्या पड़ा हुआ है। पर चूंकि म्यूजिक में हाइड नहीं हो सकते ना, आपने सरफेस पे आना है, परफॉर्म करना है, दिखाना है। Absolutely. अच्छा ये होता है ना कोई ड्रामा 40 20 30 लोगों का करेक्टर, तो विच कार स्टार दा बड़ा पुत्र ते छोटा पुत्र एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। या कहीं बिजनेस हो कि जहाँ 500 लोग 1000 लोग चला रहे हैं एंटिटी, उसमें दो लोग अपने CEO चीफ कमर्शियल ऑफिसर लगा दिए अपने फैमिली के, काम कोई और कर रहा है लेकिन चलो जी एक नाम बन रहा है, तो टीम वर्क इसमें तो टीम वर्क को लीड कर रहा है वोकलिस्ट। अब वोकलिस्ट जो है या 8-10 म्यूजिशियन 50 और बजा रहे कब बीच में वो भी नहीं पता चलता, तो उसने सरफेस पे आना है, फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि चूंकि लोग पहले दिन से आपको रिलेट करते हैं उस नाम बड़े जुड़ा होता है, इतना बेंच मार्क से एक्सपेक्टेशन वहां तक होती है, और वो चूंकि जिस शख्स ने शुरू किया होता वहां तक पहुंचने में साल लगे होते हैं, इनसे पहले दिन एक्सपेक्टेशन, तो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ये आसानी हो जाती है, आपको लोग पहचानते हैं, आपको किसी से मिलने में किसी से कोई काम लेने में कोई इशू नहीं होता, आप जल्दी पहुंच जाते हो, बट परफॉर्म करना है फिर फेल, और अब फेल टू फेलियर बहुत बड़ा होता है, हर चीज कमर्शियल इतनी ज्यादा हो गई है कि अब आप हैं तो एक्सेप्टेड हैं, अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिल्वर स्क्रीन कही है, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। अच्छा सबसे पहला सॉन्ग सावल ने कौन सा किया था जो बचपन में जब म्यूजिक की तरफ आए तो बाबा अब्बा का ही सॉन्ग था कोई, वो एक गजल थी, पता नहीं मैंने कहाँ से सुन ली और पता नहीं मैंने क्यों गाई, ये क्या बात हुई पता नहीं, 3-4 साल की उम्र से गा रहा हूँ, तो उस वक्त क्या था क्या नहीं था, कौन सी थी गजल, हम तुम होंगे बादल होगा रक्स में सारा जंगल होगा, वाह वाह सुननी है ना आप लोगों ने, तो अभी सुनवाते हैं सावल से, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, ये भी सुनेंगे और भी बहुत सारा खूब कुछ बातें भी होंगी, कुछ गीत भी होंगे, हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। पता नहीं क्यों इसलिए गए थे कि सावल में सावल का जिक्र था, रीजन मिल गया जी, ये मैंने एक किस्म का वो मुझे फादर को शेर पसंद था इसलिए मैंने गाए, उन्होंने मुझे कहा मेरे जिगल हो रहे हैं नाम सावल का, नहीं और भी होंगी। अच्छा सावल का मीनिंग भी बड़ा खूबसूरत सा है, क्या मतलब है बताइए, महबूब महबूब। अच्छा जब हम बात करते हैं गीत की या किसी शायर की या सिंगर की तो कहते हैं कि जिस तरह के दर्द भरे गीत गाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिल का कोई मामला होता है, और आपके अब्बा को भी बड़ा टैग किया जाता है इस चीज़ पर, और वो हमेशा आते हैं और बड़ी खुल के बात करते हैं दिल की, तो सावल के साथ भी कुछ ऐसा रहा कि दिल के मामला ज़रूरी होते हैं इस तरह गाने गाने के लिए? नहीं इट्स जस्ट a taboo or whatever, it's a drama, ye just naam ke sath laga diya mashhoori ke liye, okay. baat aise nahi hoti, ho jati hai isse mashhoori, ho jati hogi, okay. haan ji ho jati hogi, magar ye hota hai ki singing aati hai andar se, aur uski koi bhi wajah ho sakti hai, uski kisi ko acha lagna ye bhi hota hai, magar insaan ke apne experiences hote hain, apne ek behind the scene, ek uska apna ek सिचुएशन होती जिसमें से वो गुजरता है, चाहे वो किसी मोहब्बत की सूरत में हो किसी और सूरत लेकिन में, लेकिन कहते हैं मोहब्बत तो एक और खूबसूरती ले आती है आर्ट में, मतलब आपको और हसीन बना देती है, ये इंसान पे डिपेंड करता है, इंसान तो आपने उस खूबसूरती का इजहार किया या जिंदगी में उस खूबसूरती को अपनाया, बिल्कुल बिल्कुल उसको अपनाया, और उसमें ये होता है कि इंसान की परसेप्शन की बात होती है कि मैं अब कहीं मौजूद हूँ, मेरे साथ मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या है, मैंने उसको परसीव कैसे किया और उसको मैंने अपनाया कैसे, और फिर मैंने उसको एक्सप्रेस कैसे किया, तो जरूरी नहीं है कि एक मोहब्बत ही पीछे लगी रहे और उसी पे करूं मैं, बट बात यह है कि यस आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, वालिद की सूरत में, और फिर मेरी एक वाइफ जो जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उसके सूरत में मेरी लाइफ में एक चेंजेस आए, तो वो सब मिला के मेरे एक्सपीरियंसेस बनते हैं जिन्हें मैं एक्सप्रेस करता हूं। ग्रेट, और माशाल्लाह से जो सावल की सिस्टर है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, शी इज डूइंग वेरी गुड, और इंटरनेशनल लेवल पर उसका भी बहुत काम है। सर कुछ है कहने वाले हैं आप? वैसे देखो ये बात को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं, बात सिंपल सी है और वेरी सिंपल है, हमारे यहाँ डिस्कशन गपशप हो, फिल्म हो, म्यूजिक हो, ड्रामा, रोमांटिसिज्म चाहिए। अब आप बात कर रहे थे ना मोहब्बत की, देखो पौधा आगे आ गया, अच्छा पीछे तो बात सुनते सुनते आ गया, उसको जिंदा कर दिया हमारे यहाँ, इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट।
आपने देखे जितनी हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं लव सीन जरूर डालते हैं, पावे उन्हें मोहब्बत कितनी होनी नहीं कितनी होनी, ठीक है उसका तो सीन का तुक भी नहीं बनता होगा वो उधर जरूर जरूरत है ना, किसी लोग खुश होते हैं नहीं, चीज़ जरूरत है। ऐड में लड़की को ऐड करना है तो वो ग्लैमर रोमांटिसिज्म ये हमारे यहाँ है। अच्छा जो आप बता रहे थे ना तरन को ही ऐसे मोहब्बत मोहब्बत ऐसे कोई वॉयलिन कोई हवाएं चली, कितनी बार हुई कितनी बार गई सच्ची नहीं, और अभी भी जो है वो माशाल्लाह से सिलसिला जारी है। नहीं अब तो नहीं, अब नहीं, अब पता नहीं क्यों मैं मेरा सबसे बड़ा मसला है कि मैं भूल जाता हूँ भूल जाता हूँ लोग भूल जाता हूँ। अच्छा मुझे सबसे मजे की बात नाम और चेहरे याद नहीं रहते, दुनिया की हर चीज याद रहती है आपके सेट पे काले पानी की सजा है, एक तो भूल जाता हूँ ऊपर से नाम और शक्लें भी याद नहीं रहती मुझे। आप कल पूछेगा साल बाद क्या आपके सेट पे क्या प्रॉप्स लगे थे, मुझे सब चीज याद होंगी, चेहरे मुझसे भूल जाएंगे। हमने इतनी किताबें पढ़ी कि अब हम चेहरे भूल जाते हैं, मुझे चेहरे और नाम भूल जाते हैं। अच्छा लेकिन इस पे एक ब्लश भी आया चेहरे पे और ये जो शर्मीली मुस्कुराहट है ये शायद ही कभी आती होगी तरंग, इसलिए कि मैं किसी जमाने में थोड़ा सा क्या कहता है आउटगोइंग बंदा ज्यादा था, पार्टी इवेंट सारा कुछ तो एक लोग को ख्याल था शायद मेरे पता नहीं क्या एक लॉन्ग लिस्ट है ब्ला है कुछ रही भी कुछ ऐसा था भी कुछ ऐसा नहीं भी था, बट द फैक्ट रिमेन सेम कि वो जो सीरियसनेस होती है कभी जिंदगी में नहीं हुई। मुझे लोगों पे हैरत होती है, अभी मेरे एक दोस्त है कुछ दिन पहले बड़ा अच्छा सिंगर है और उसको 45 की एज में हो गया भी यार, मैंने कहा बचपन और बचपन का खतरनाक होता है आपको बचपन में हो गया, कभी सीरियस फीलिंग हमें नहीं हुई 24-25 में, उसको 45 में हो गई है। तो बस देखें तो अल्लाह की ब्लेसिंग है कभी भी हो सकती है, एंजॉय करना चाहिए लाइफ का फेज है। मुझे हद तक लगता है ना ये प्रटेंड होता है कि यार किसी के साथ वाकई किसी के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती है वो, अच्छा इमोशनली आ जाता है 7-8 दिन 10 दिन आपको कोई बहुत अच्छा लगता है फिर आप कहते हैं चलो ठीक है लेकिन टेक इट इजी, मैंने जिंदगी में 4-5 लोगों को बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा। नहीं नहीं मैं 4-5 लोगों के मामले में बड़ा सीरियस हुआ और बड़ा अप्रोच किया, फिर मैं खुद ही 10 दिन बाद भूल गया कि मेरे से कॉन्टेक्ट भी रहना है, तो दैट एक्चुअली ह्यूमन लाइफ इज ओके राइट। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी सीरियस मत लीजिएगा तरन की बातों को, रिलेशनशिप्स को लेके चलना चाहिए, वक्त देना चाहिए, क्या कहते हैं सावल? बिल्कुल ठीक है जी, रिलेशनशिप जैसे आप कह रही ओके राइट। सावल का जो टूर पीछे चला जा हाँ पीछे चला जा जो टूर पे जिसपे आप आए हैं आपने डिफरेंट इवेंट्स किए कराची में भी किए, सो अभी ओवरऑल पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी इवेंट्स का प्लान है? मैं US शिफ्ट हुआ अभी आए हुए मुझे तकरीबन 2-3 हफ्ते हुए, तो पाकिस्तान के टूर पे हूँ एक कंपनी टोटल मल्टीमीडिया जिसका मैं हिस्सा हूँ, US बेस्ड है, तो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है, तो हम टूर के साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है प्लस द एस्टैब्लिश आर्टिस्ट्स हम उनको अब्रॉड लेकर जाएँ वर्ल्ड वाइड लेकर जाएँ, क्योंकि एक सेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है US में कनाडा में, तो हमारी कोशिश ये है कि हम नए टैलेंट को और एस्टैब्लिश आर्टिस्ट को वर्ल्ड वाइड लेकर जाएं टूर्स पर लेकर जाएं ताकि पाकिस्तान का इमेज फर्दर हम ब्रॉडन कर सकें, और जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं बहुत कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं लाइव परफॉर्मेंसेस में, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कहीं ना कहीं स्लैक करते हैं, तो हमारी कोशिश यह है कि हम वो ग्रे एरिया को कम्प्लीट करके एक स्ट्रॉन्ग इमेज जो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट का फर्दर स्ट्रॉन्ग इमेज मेरी कोशिश है कि मैं वो बिल्ड करके बाहर लेकर जाऊं। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी अप्रोच है और इससे आप इंटरनेशनली क्योंकि अगेन आर्ट की म्यूजिक एक ऐसी फॉर्म है जो जहाँ जहाँ पर शायद हमारे सफारतखाने भी मौजूद नहीं है वहाँ वहाँ हमारे आर्टिस्ट जाते हैं और जाके अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, सो इस चीज़ को और प्रमोट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, सिर्फ एक लगे बंदे सिंगर्स नहीं बल्कि जो भी अच्छा गाता है उसको उसका हक है कि वो जाए और जाकर यही कोशिश है। तो सावल ने अपने अब्बा के साथ भी ट्रेवल किया उस दौर में जब वो आज भी वो जाते हैं वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करते हैं पाकिस्तान में भी, तो शुरू से उनके साथ ट्रेवलिंग रही, उनके शोज में देखा कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कितना हुजूम होता है, कितना लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। हाँ ये तो एक आपने ठीक कहा कि बहुत यंग एज से ना ये चलता आ रहा है पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर जब लोग कनेक्ट करते हैं पापा के साथ और इंजॉय करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस होता है बहुत रेयर कहीं और देखने को मिलता है, तो एक मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लोगों के दरमियान पापा के थ्रू जब जाता था और जाता हूँ तो एक्सपीरियंसेस बड़ा अच्छा, क्योंकि एक आर्टिस्ट है जब वो परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली वो आर्टिस्ट है, उसकी फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, लेकिन ऑन द सेम टाइम वो फादर भी है, तो जब आप तो अपने अताउल्लाह इसरा खेलवी आप उनको एज अ फादर देखते हैं, लेकिन जब उनके साथ गए कब कोई ऐसा मोमेंट रहा जब आपको फील हुआ कि वाओ मेरा फादर मेरे अब्बा जो है वो तो इतने बड़े स्टार हैं, कुछ मोमेंट्स आते हैं ना ऐसे लाइफ में जहाँ पर आपको एहसास होता है, कुछ कोई स्टोरी ऐसी शेयर करेंगे? बहुत रेगुलरली ये तो एक रेगुलर फिनोमेना है, जहाँ पे भी जाएं लोगों का एक
پچھلے دنوں میرے فادر کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ ہاسپٹل میں تھے, تو کچھ بہت دور سے لوگ آئے, تو جو ان کا ایک ایسوسیشن کا اور محبت کا طریقہ تھا وہ ایک بڑا آئی اوپنر تھا کہ اس حد تک پیار کرتے ہیں, اس حد تک جاتے ہیں وہ لوگ جو جن کے لیے ایک ڈے ٹو ڈے لائف کو کیری آن رکھنا مشکل ہے, وہ اپنا کام چھوڑ کر وہ اپنی تکلیفیں بھول کر پوچھنے آتے تھے, اور وہ ان کے ایکسپریشنز جو میں دیکھتا تھا وہ دے ور پرائس لیس. رائٹ, ترن نے تو کافی سارے شوز کیے ہوں گے, مجھے بھی اتفاق رہا, اینڈ امیجن ہاؤس فل, اسپیکرس پہ بھی لوگ چڑھ کے بیٹھے ہوتے تھے کہ جگہ مل جائے اور سن لیں, ایک بار دیدار کر لیں. یہ بڑی بلیسنگ ہے ہمارے کچھ اسٹارس کو, اور انہوں نے اس چیز کو نبھایا بھی اپنی لیگیسی کو. اس میں فرق یہ ہے کہ دیکھیں ایک اربن آرٹسٹ ہوتا ہے, ایک ریجن بیلٹ کا ہوتا ہے, ریجن کے لوگ آپ سے پہلے جڑتے ہیں, وہ پہلے آپ کو اپنے بیچ کا اپنا مانتے ہیں, جب وہ آپ کو اپنا مانے نا پھر آپ کی اچھی اور بری چیز کو وہ ایک ہی طرح لیتے ہیں, اور آپ کی اچھے ہر میوزک کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا پھر وہ لازم سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے قریب, اس کے ڈسٹینس, اس کے اپروچ, اس کے رینج میں آ گئے تو وہ آپ کو سنے بھی, آپ کو ملے بھی. پھر اگر آپ پہ کوئی خوشی غم ہے, وہ چونکہ آپ سے لنک ہوتے جڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو الگ نہیں مانتے, پھر وہ آپ کے غم خوشی میں بھی شریک ہوتے, بن بلائے آپ کے گھر میں, شادی میں بھی آ جائیں گے. تو اگر آپ ہاسپٹل میں ہیں اور اپوائنٹمنٹ نہیں بھی ہے لیکن وہ چل کے آ جائیں گے. تو ریجن کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ریجن کا جو آرٹسٹ ہے وہ لیونگ لاسٹ, لانگ لاسٹنگ رہتا ہے, مرتا نہیں ہے. کمرشل شہروں میں بڑے آئے, آپ نے کہا نا اسکرین پہ چل رہا ہے بہت اچھا, اسکرین پہ آؤٹ ہو گیا کوئی نہیں پوچھتا, لیکن ان ریجن کے لوگ آج بھی اس ایریا میں سپر اسٹارز ہوتے ہیں. مطلب یہ انڈیا پاکستان دونوں کا ہے. رجنی کانت ساؤتھ میں جا کے سپر اسٹار تھا, سپر اسٹار ہے, رہے گا. دھرمیندر نے پچھلے 20 سال سے فلم نہیں کی, پنجاب کا سپر اسٹار تھا, ہے, رہے گا. گرداس مان سپر اسٹار ہیں اور رہے گا, اس کا شو کا ہر جگہ جائیں گے. عطا اللہ صاحب اس ساؤتھ بیلٹ کے اندر اور اس ہمارے بڑے شہروں سے نکل جائیں, ان کے لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں, وہ رہیں گے. وہ نو میٹر وہاں پہ سب سے بڑے آج ینگسٹر کو کھڑا کرے, ایک لاٹ ان کا شو کرائے, ایک طرف ان کا کرائے, ان کے فالوور وہاں پہنچ جائیں گے اور آ جائیں گے. تو ریجن کے لوگ جڑتے ہیں, یہ اپنائیت کی نشانی ہے. اس میں اسٹار بانڈنگ بعد میں آتی ہے, اور جتنے پیار سے آپ سے جڑتے ہیں نا آپ کے ایٹیٹیوڈ سے اتنے ہی وہ جلدی ناراض بھی ہوتے ہیں, پھر آپ ان کو منع بھی نہیں کر پاتے. آپ کو بہت ہمبل اور گراؤنڈڈ رہنا پڑتا ہے. آپ کے گھر پہ آئے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ گارڈ بھیج دیا, واچ مین کہ جی نہیں ہے وہ, نہیں, آپ کو ملنا پڑتا ہے. آپ کو فار ایگزامپل ان کے کسی شہر سے, چھوٹے شہر سے گزر رہے ہیں اور آپ کسی گاڑی پہ روکی, اپنے ڈھابے سے چائے پی رہے ہیں اور لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کچھ آپ کے ساتھ محفل لگا لی, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایکسکیوز می میرا ٹائم نکل گیا, سو آئی ہیو ٹو رن. نا ریجن کے لوگوں کے ساتھ آپ کی اچھائی برائی چلتی ہے, لیکن ریجن کی خوبصورتی یہ کہ آپ کو بیٹر, لارجر دین لائف بنا دیتے ہیں. رائٹ. اچھا سابل, کریزی فین موو ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کے بڑے زیادہ لائف میں, سو آپ تو انٹرنیشنل اسٹار ہیں ماشاء اللہ, تو یہ والے مومنٹس بھی آئے جہاں کریزی فین, کوئی ایسا کوئی فین ہو جو یاد رہ گیا ہو؟ آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی بہت گراؤنڈڈ اور ہمبل پرسنالٹی ہو, لیکن اس طرح کے بھی مومنٹس آتے ہیں جب کبھی انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے. بالکل ہوتا ہے ایسے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اتنی زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے تو اور اتنے عرصے سے ہو رہی ہے تو ہم اب یوز ٹو ہو گئے ہیں. اب کوئی ایسی بات ہو بھی صحیح نا تو کبھی مینیج کرنا مینیج ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمیں ڈیلی ملنا, ڈیلی انٹریکشن کرنا, تو وہ پارٹ آف دا لائف ہو جاتی ہے چیز, تو وہ ہم ایزیلی کوشش کرتے ہیں مینیج ہو. مگر ترنجیت نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ جیسی بھی حالت میں ہیں آپ کو اپنائیت اور محبت دکھانی ہے. اب جیسے میں نے بتایا پاپا بیڈ پر تھے اور ان کی طبیعت خراب تھی اور دوائی کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و آواز میں بھی نہیں تھے پراپرلی, بٹ اس حالت میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ جو باہر لوگ آئے ان کو لے کر آؤ, ان سے ملنا لازمی ہے, تو وہ ہوا. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ لوگ آپ کو جج کرتے ہیں, اٹس اباؤٹ کہ لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے ویسے ہی رسپانس بھی چاہتے ہیں, اور شاید ان کو ملتا ہے تبھی یہ ساری چیزیں اتنی لاسٹ بھی کرتی ہیں. ہم آپ کی فیملی کے بارے میں جس طرح بات کرتے ہیں, آپ کی سسٹر کا ذکر ہوا, ماشاء اللہ سے وہ بھی بہت ٹیلنٹڈ, آئی تھنک ان کو کوئی ابھی اوارڈ وغیرہ بھی ملا ہے کچھ ایسا. جی وہ پاکستان کی فرسٹ اینڈ اونلی وی ایس نامینیٹڈ بچی ہے, اور اس نے اسپیشل افیکٹس میں اس کا نیٹ فلکس پر ایک شو چلا تھا جس کے لیے وہ نامینیٹ ہوئی تھی, اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ہمیں اس جگہ پر جا کر بٹھایا. ہماری تو ہماری لگن تھی باہر کام کرنا اور پاکستان میں بھی وہ چیز کی اویئرنیس لے کر آنا,
बट कभी ये हमने नहीं सोचा था कि हम ग्लैमर और उसको इस तरीके से, यानी कि हमें इस तरीके से वहां पे इज्जत मिलेगी. तो मैं अक्सर लारेब के साथ बैठा होता हूँ, इस चीज पर बहुत हंसते हैं कि ना हमारा उस तरीके से वहां लिंक था, ना हमने कोई अंदर वाली बात चलाई, मगर वो अल्लाह का करना ये हुआ कि जो नेटफ्लिक्स की और जो सीरीज के टॉप बहुत बड़ी सीरीज हैं, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, मैं सॉरी कह रहा हूँ, एक बहुत मशहूर सीरीज, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स, उसकी कास्ट हमारे साथ बैठी और उसके साथ अवार्ड सेरेमनीज में हमें जाने का मौका मिला और इस तरह से बहुत ज्यादा पोस्ट देखी थी आपकी. हाँ जी, तो वो हम दोनों बैठ के आकर हंस रहे होते हैं कि यार ये कैसे हुआ. मैंने काम किया, वो अपनी जगह बनाकर काम पहुंचता कहाँ पहुंचा, उसकी रिकग्निशन हुई और रिकग्निशन के बाद उन्होंने हमें बुलाया और हमें उन स्टार्स के दरमियान बिठाया जिससे हम शुरू से फॉलो करते आए. जब मैं छोटा सा होता था तो मेरे फादर ने एक पूरा सिस्टम बेसमेंट में लगाया हुआ होता था. तो हम फिल्म्स देखते थे, हम वेस्टर्न मूवी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते थे. अच्छा, इससे एक ये भी चीज समझ में आती है कि ना बच्चा, आपका बच्चा है या आपकी बेटी है, बेटा है, अगर उसमें आर्ट की किसी भी फॉर्म का वो उसका इंटरेस्ट रखता है तो आप उसको सपोर्ट करें ना. आपको नहीं पता कि वो इंटरनेशनली किस लेवल पर जाकर पजीराई हासिल करता है, तो फैमिली की बॉन्डिंग और फैमिली की सपोर्ट शामिल बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता, मैं यही थ्रू टोटल मल्टीमीडिया मेरी कोशिश है कि मैं ये सपोर्ट जो बहन को, भाई को और मेरी फैमिली को मैं दे सका और जो मुझे मिली वो मैं आगे सोसाइटी में भी दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक, अल्लाह ने मुझे उस पोजीशन पे डाला है जहाँ पे मैं एक वैल्यू ऐड कर सकता हूँ अपनी सोसाइटी में, तो मैं करना चाहता हूँ. खुदा ना खास्ता मैं कोई ग्रज रखने वाला या कोई इस तरह से मैं नियत रखने वाला नहीं हूँ कि जो आजकल इंडस्ट्री में है कि मैं किसी को करूंगा तो वो मेरे पे हावी हो जाएगा. आपको क्लियर हार्टेड मुझे कोई जरूरत नहीं. मुझे अच्छा ये चीज मैंने तरन में भी देखी है. अभी हम अब कुछ दिनों पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक दो चीजें की, तो तरन ने कहा नहीं इसको तो ऐसे सपोर्ट मिलनी चाहिए, इसको तो ऐसा मिलना चाहिए. तो ये अच्छी बात है कि आप जो हैं, जो आपके नसीब का है वो आप तक आ जाएगा. अगर आपको मौका मिल रहा है दूसरे को आगे लाने का या उसको प्रमोट करने का, तो तरन आई थिंक दिस इज गुड थिंग अप्रोच, इसको करना चाहिए. इसका एंड ऑफ द डे ये जो रेस हमारी है, चाहे एक्सेलेंसी की हो, अचीवमेंट की हो, पैसे की हो, इसके लिए एक दिन मुक जाना है. और जिसने नहीं मुकना ना, वो आपकी वो चीज है जो आपने सोसाइटी को दी है. अच्छा, मैं अक्सर एक बात फील करता हूँ कि फेम, पैसा और पावर ये आपकी नहीं है, ये रब की दात है. बाबा नाना कहते हैं दाते दात रखी हत अपने जज्बावे दे दे, ये रब ने आपके हाथ में रख दी है. अब जब रब ने आपको किसी अच्छे घराने में पैदा किया, रिसोर्सेज के साथ दिया, पैसा दिया या फेम दिया, ये आपका नहीं है, रब ने दिया और ले भी सकता किसी को. बेशक ऐसा ही है. तो अगर उसमें आप सोसाइटी के चार लोगों की हेल्प करें जिसमें करियर बन जाए, तो वो फीलिंग अलग होती है. Exactly. हाँ, अगर आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर सॉरी तो काटियो, बट ब्रेक का टाइम हो गया. सो ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे. हमारे साथ रहिए जी उठा बात. अलग सी मुलायम आवाज है सावल की. कुछ एक आई रिमेम्बर कुछ टाइम पहले, आई थिंक 6-8 महीने पहले एक ड्रामा ममा देख रही थी, तो उसमें एक OST शायद आपने किया था. सो जैसे ही OST वजह मैंने कहा ये तो सावल है, ये सावल की वॉइस है. तो सावल ने OSTs भी किए हैं राइट? क्योंकि वो कुछ आवाज की, आप जब ऊपर की नोट, मुझे म्यूजिक की बिल्कुल सेंस नहीं है, लेकिन एक एक अदा होती है किसी इंसान की खास ना, वो उसकी आवाज के साथ जुड़ जाती है. उसको क्या चीज कहा जाता है लेकिन वो बड़ी खूबसूरत सी है जो लोग फील करते होंगे. सो आई रियली लाइक इट, बहुत जबरदस्त. सो और भी आगे OSTs या मूवीज के लिए सॉन्ग करने की प्लानिंग है? इस वक्त सोलो सॉन्ग्स पे मैं काम कर रहा हूँ. पंजाबी है, उर्दू है और अंग्रेजी भी है, पर अंग्रेजी थोड़ी देर बाद है. अभी मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ. मैं चाहता हूँ अपना फोक हो, सराइकी फोक हो, पंजाबी फोक हो, मैं उसको थ्रू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ऐसे रिप्रेजेंट करूँ दुनिया में कि पता चले कि यार पाकिस्तानी फोक क्या है, और पाकिस्तानी चाहे वो गज़ल भी हो, चाहे वो उर्दू में हो या पंजाबी में हो, मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म से सामने लेकर आऊँ तो उसको पूरी दुनिया सुने. नॉइस पोल्यूशन बंद की जाए. इस बात पे आपको कब मिलता नहीं नहीं बड़ी कीमती है जी शो के हमारे. ये आप कौन है, क्यों नॉइस पोल्यूशन फैला रही हैं, शो हो रहा है सेट पे, मेहमान है हमारे साथ. मैंने अभी टीवी में सुना है कि जो नए टैलेंट है उनको ये लेके जा रहे हैं बाहर.
हालांकि मुझे अक्सर घर से बाहर निकालते थे लोग, मतलब मुल्क से बाहर चले आऊँ ताकि नाम करके आऊँ, मसला ये। अभी आप बड़े हो चुके हैं, अभी आप छोटे हैं, इन्होंने कहा कि जो यंग टैलेंटेड सिंगर है बच्चों तो नहीं लेके जा रहे ना आप? देखिए नहीं, उन्होंने पहले कहा कि मैं बाहर हूं, तो फिर बाहर का नाम ऑलरेडी लगा हुआ है इनके साथ, तो जरूरत नहीं है फिर इनको। देखिए छोटे से इंसान बड़ा होता है, बिल्कुल सही, ये बड़े से तो छोटा होना पड़ता है, समझिए ना, ऊपर की बात की मैंने थोड़ी सी, ठीक है। मैंने जैकेट स्पेशल अभी देख के खरीदी इनको, कराची में मार्केट सुबह खुलने लग गई, ठेल सुबह खुल जाता है, मार्केट खुले नहीं, वो लार्ज साइज ने ले लिया, एक्स्ट्रा लार्ज का जोहर ले गया, गलती से ना टेलर था कोई बच्चा, उसने गलत काटी से चोटी रह गई। आपने तो ठेले से लिए, वो बाहर से ब्रांडेड उसकी लेदर जैकेट है, आप ऐसे उनसे कंपैरिजन करें वो अलग है, मैं अलग हूँ। देखिए गरीबों के लिए भी लगाया ना, अल्लाह ने कोई बंदोबस्त तो किया है ना, हाँ वो है बस। अच्छा जाते हुए कुछ पैसे ले जाना मुझसे, जरा जीन्स तो कोई सही सी खरीद लेना, ये क्या फटे लेकिन छोड़ के गया था, अभी तक दूसरे को समझा नहीं। यार आप क्यों छोड़ के आते हैं किसी को, आप लेके जाएंगे मेरे साथ, छोड़ के नहीं जाते। तो सर एक चांस चाहिए बस मुझे, मैंने कुछ गाने बनाए अगर मैं आपको सुना दूं। मुझे तो आईफोन नजर आ रहा है आपकी जेब में, ये आईफोन जरा निकाल के दिखाइए, ये मुझे दीजिए ना, इससे पेमेंट बढ़ती है आपकी, पेमेंट बढ़ती है तो इसके बावजूद आपको बाहर जाने की जरूरत है? नहीं किस्तों पे लिया है ये, तो पता नहीं किस किस से पैसे दे के ले लेंगे। माशाल्लाह चलता है जी, डमी नहीं है, नहीं चलता है, पहिए लगे हुए हैं, पहिए आपको भी चाहिए ताकि आप थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए जी। सर ऊपर तो एक दिन सबको पूछना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ कर भी जाएंगे, इंशाल्लाह इकट्ठे जाएंगे। आप जाए बाकी देखिए, एक गाना मैं इनको सुना दूं सर, एक गाना अगर आपको मैं सुना। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ आपको टाइम दे रही हूँ, आप मेरा शो खराब करें, ऑडिशन आप ले लीजिए अगर आपको पसंद आया, ठीक है, वरना ये वाला रास्ता स्टूडियो से बाहर जाए। देखिए वक्त और बीवी बहुत तंग करती है, वक्त और बीवी बहुत तंग करती है, लेकिन जब साथ देना तो जिंदगी बदल देती है। वाह वाह वाह, क्या सीरियस बात है, टाइम की बात की ना, मुझसे याद आ गया मुझे, ठीक है। तो एक गाना अगर हो जाए जी प्लीज सर, मेरा फेवरेट गाना, यार तुम तबले पे पाउडर लगा दो, थोड़ा पाउडर अगर अपने मुंह पे लगाओ ना, यकीन करो अच्छे हो जाओगे, बीच में रोक दिया ना, बदतमीजी होती है। कितनी बुरी बात है, वो हमारे इतने अच्छे पाकिस्तान के म्यूजिशियन हैं शायद, और आप उनको इस तरह से शायद भाई को कह रहे हैं। चलती बस में आप ऑफ कर देंगे इंजन तो क्या होगा, बुरी बात है ना, आप एक गाड़ी चल रही है चल रही, रोक दिया। अच्छा, ये आप किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे थे? नहीं वो बेसिकली मजा ले रहे थे, गाना तो अपनी जगह जस्ट स्टेप करे तो एंजॉय कर ही गाता हूं, लेकिन कह रहे मैं खाता भी एंजॉय करके हूं, गाता भी एंजॉय करके, वो तो आपकी टोन से पता चल रहा है सर, जो मजे ले गाते हैं उसकी टोन बढ़ती है, वरना आप जैसे सूखे सूखे लोग डाइटिंग पे जी रहे फायदा सर, वो गिनती के छह चावल के दाने खाती है, मुझे बताया कि गाने के लिए आपको बॉडी बिल्डर पर जान होनी चाहिए, आपके सीने में जान होगी तो आप गाएंगे ऊंची आवाज में, ये बात है। एक दफा मैं पतला था, मैं गा रहा था, मैं गिर गया पीछे कमजोरी से, वेरी सैड, तो इस वजह से मैं जान बनाई थोड़ी सी, मतलब कद नहीं बढ़ा रहा, कम से कम पेट तो बढ़ा लूं। अच्छा ये जो अभी इन्होंने गाना खराब किया है, ये गाना लोगों के दिलों में बसा हुआ है, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, ये होता है गाना, ये होती है सिंगिंग, और आप मैं सीख रहा हूँ ना, वो तो प्रोफेशनल है, मैं अभी रास्ते में चला हूँ, इन्हीं को देख देख के तो आप भी जाए सीखे, 10-15 साल बाद फिर आइएगा, फिर देखेंगे। 10-15 साल में तो मैं रहूंगा ही नहीं, तो क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप कैसे करते हो? अगर रियाज नहीं मिले तो कोई सलीम कोई कलीम कोई वकील कर ले बंदा, जरूर आप करें, ये तो आप पे है, आप क्या करना चाहते हैं। बात यह है कि अगर कोई काम आसान नहीं होता, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं वो अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, हर इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ता है, right. ये इंसान पे खुद होता है कि उस पर कितनी मेहनत करता है, उसको कैसे समझता है। आजकल तो वैसे भी YouTube और इंटरनेट का पूरा एक प्रोसेस है, तो उसमें आप जाओ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैंने अपने वोकल्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, उस पर काम कैसे करना है, उसको टेक्निकली ठीक कैसे करना है, तो ये रिसर्च मांगता है और मेहनत मांगता है, ये ऐसे नहीं है कि मेरा दिल आया मुझे मशहूर होना है और मैं गा दूं। हाँ ये जो रातों रात चीजें होती हैं वो फिर रातों रात खत्म भी हो जाती हैं उनकी, वो लास्ट नहीं करती। शुक्र है मैं सुबह गा रहा हूँ, रात में नहीं गा रहा ना, वरना रात में खत्म हो जाती है। आपके ऊपर गाना बनाया सर, अभी बैठे बैठे
थ्री कप मिलेगा आपको फिर यार, जिनको कप लेना है वो नहीं लेके आ रहा, मुझे इतनी जबरदस्ती दे रहे हैं। अच्छा, तो यकीन करें उनकी तो बेगम उनको प्रिंस पर चाय दे रही है, बोले भाई कप तो कोई और लेके आएगा, प्रिंस पर पीने की आना डाल लो। ओके ठीक है, क्या बनाया आपने इनके लिए, बनाया क्या खराब किया है वो बताइए। कल ही ये रोड पे गड्डी लेके निकल जाता है, कल ही ये रोड पे गड्डी लेके निकल जाता है, सबको पूरा पाकिस्तान दिखाता है, क्यों भाई वजह मैं क्या कहते लगे अच्छी बात है यार, मैं पूरा पाकिस्तान कर यार, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, वो चलो हो जाए, किसको ढूंढ रहा हूँ यार। थर भी चला गया देखो ना, पंजाब से शुरू किया, गिलगित चतराल का गान नारान से होते हुए की पीके से होते पूरा पंजाब, साउथ पंजाब, सिंध के थरपाकर से नोडेरों से लेके होते हुए बलूचिस्तान ताफतान तक गया, मिल ही नहीं कोई, नहीं मिल रहा कोई, किससे पता पूछे मंजिल ले जाना, हाँ। जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। आपके हालात भी ना पाकिस्तान की आवाम की तरह, आपको रास्ता नहीं मिल रहा और हमें कोई लीडर नहीं मिल रहा, दोनों ढूंढने में लगे हैं, अल्लाह ताला मिलवाएगा आटा मिल रहा है आजकल, आटा आटा सर क्या बात कर रहे हैं, आटा कहाँ मिल रहा सर, अब तो आटा मेरे ख्याल में इंजेक्शन में मिलेगा, पुटियाओं में मिलेगा। आप तो आपको तो वैसे ही छोटी सी रोटी की जरूरत पड़ती होगी, तो इट्स नॉट अ बिग डील, छोटी रोटी मैं तो चावल से भी गुजारा कर लूं, लेकिन रोटी जरूरी है, चावल ही चावल वही आपका वाला यार सही क्या बात है। अच्छा सावल, अगर मौका मिले एक्टिंग करने का, मतलब ऑफर हुआ कभी कि आप एक्टिंग करें, क्योंकि आजकल सिंगर्स जो हैं वो एक्टिंग भी करें, नॉट इंटरेस्टेड, ऑफर्स हुई, ट्रैक से उतारने वाला काम है सावल की, आप देखें लुक थोड़ी थोड़ी फवाद खान से मिलती है माशाल्लाह, हल्के हल्के एक्टिंग से मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा ये बहुत मेहनत वाला काम है। मैं सिस्टर जब मेरी विजुअल इफेक्ट्स कर रही थी, तो मैंने दो महीने के लिए लंदन में विजुअल इफेक्ट्स खुद भी किए, मैंने फिर उसके बाद हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा मेरे से नहीं होता, बिकॉज सिंगिंग इटसेल्फ इतना मुश्किल काम है, तो मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या और चीजों में पढ़ूं तो मैं उस काम से भी जाऊंगा। अच्छा, तो तरह नहीं किया एक्टिंग कभी मौका मिला यार, मैं थिएटर करता रहा, मैं तो थिएटर किया है, कुछ ड्रामास किए, हाँ ये है कि जो करंट ड्रामा सीरियल्स चलते हैं, ये जो सोप चलते हैं, मुझे शायद वो टेम्परामेंट सूट नहीं करते, मेरा ड्रामा चला जिसमें मैंने दो नेगेटिव करेक्टर किया, तो तू तड़ाक की लैंग्वेज पहली बार की थी, वो भी अच्छा लगा था, थिएटर तो मैं करता रहा हूँ, 8-9 सीरियल तो हो गए, लेकिन बहुत टाइम गैप की बात करता हूँ, मतलब लास्ट किया था 18 में स्टार्ट में, अब किया है जो सोप्स है ना, उसके लिए मेरा मसला ये है कि मैं चूँकि प्राइवेट पब्लिक शोज भी करता हूँ प्लस इवेंट कंपनी भी है, तो मुझे नहीं पता होता 10 दिन बाद कहाँ कोई इवेंट मिल जाए, सोप्स और सीरियल आपसे कमिटमेंट मांगते हैं 3 मंथ या 6 मंथ की, या इस्लामाबाद में या कराची में, वो तो जो कमिटमेंट आपसे मांगते मुश्किल होता है, थिएटर में करता हूँ, थिएटर का पता होता है कि यार ये 6 दिन करना है 9 दिन करना है, बट थिएटर है ही असल में वो परफॉर्मिंग आर्ट का असल झलक उसमें आपको नजर आती है, वो रिहर्सल नहीं करता, बट फिल्म के लिए आई एम वेटिंग, 4 फिल्में वैसे मैंने पाकिस्तानी साइन की है, बट उनमें 4 में से कुछ स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, मैंने द्वार लीडर ऑफ लीडिंग आर्टिस्ट से पूछा क्यों नहीं स्टार्ट, मैंने कहा यार तुसी ते सारे ज्यादा जानते हो, 300 फिल्में अनाउंस होती है और 10 आती है सिनेमा में, कुछ के आधी शूट हो चुकी है, आधे में रुक गए, ऐसा है, बहुत सारी मूवीज हैं जो अभी तक जो है ना रिलीज नहीं हो सकी या उनकी सब चीजें कंप्लीट हो गई हैं, बट कुछ के स्टार्ट हो गए, कुछ के अनाउंसमेंट हो गई, सो फिल्म के लिए ना अब सीरियस माइंडसेट भी चाहिए होता है कि अब अगर फिल्म अनाउंस करें कैलेंडर के 1 साल के अंदर आप उसको डिलीवर करें तब मजा आता है, फिर आउटडेटेड हो जाती है। एग्जैक्टली, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाने। अच्छा, ख्वाबों का जिक्र हुआ था, ख्वाब आते हैं याद रहते हैं यार, ख्वाब सारी बिजनेस डीले चल रही थी, एक्टिविटी चल रही थी, कभी कभी फैंटेसी के ख्वाब आते हैं, इतना सोचे वाला ड्रोन ख्वाब आते हैं आपको, ना ड्रोन फिर देखिए मैं सोना काका दो महीने नहीं बड़ा सोच के बोला ना बोला शायद। अच्छा, कैसे फैंटेसी देखो ख्वाब में मल्टीपल चीज, कभी ऐसा हुआ जो ख्वाब में आया अचानक सुबह घर पे आ गया क्लाब में, क्या नहीं है मुझे लोग ऐसा दोस्त ही नहीं रखते। अच्छा, देखिए जो चीज़ें चेहरे आप देखते हो मुझे वो ख्वाब आते हैं, अच्छा होता ना ख्वाब में आता सुबह घर पे आता लाभ पेमेंट करो नहीं ये वाले काम। अच्छा, मुझे एक दो चीज़ें ना एक रिकॉल अप करती थी जो मुझे बहुत याद आती, एक मुझे जहलम, पता नहीं मेरा क्या कनेक्शन यहाँ से, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे इसकी शाम इन्जॉय करनी है, रात जब सूरज ढल जाए और लोग दरवाजे बंद करें उसके बाद क्या लाइफ होती है, और मैंने किसी टॉप से देखना है, तो शूटिंग के दौरान जब मैं जहलम शूट किया तो जहलम में 2 दिन एक्स्ट्रा था, शूटिंग नहीं थी, वो शाम देखना कि मेरे सामने सूरज बंद हो, सूरज चला जाए और वो जो आम लोग हैं उनके दरवाजे बंद हो
और फिर उनकी लाइफ कैसी होती है और दो तीन घंटे उनकी एक्टिविटी क्या होती है। वो बचपन से किसी ज़माने में मैंने देखा था और मैं उसको देखना चाह रहा था। वो एक मुझे इंडियन जो पंजाब है ना, जो उसके हरियाले और जिसके अंदर वो खुलापन है, कहीं ना कहीं ढोल बज रहा है, म्यूजिक चल रहा है, वो मुझे कभी कभी फैसिनेट करता होता है कि जैसे मैंने किसी दिन कुछ काम छोड़ दिया, वहाँ चला गया हूँ, 10 दिन 20 दिन फिर रहा हूँ, खाने अक्सर आता। ये दो चीज़ें चल, इस तरह के आते। सावल को किस तरह के ड्रीम्स आते हैं? मुझे तो सिवाय म्यूजिक के और कुछ नहीं सोचता। अच्छा, वैसे मतलब सब्जी वाला, सब्जी के लिए भी, सब्जी खाए भी, म्यूजिक वाला म्यूजिक करे और म्यूजिक भी। अच्छा, वैसे ये बात कही जाती है कि नुसरत फतेह अली खान साहब जैसे जिस तरह के जो सिंगर्स थे, कहते हैं वो लोग भी ख्वाब में भी जो है वो धुने बनाया करते थे, सोते में भी उनकी फिंगर्स जो हैं वो म्यूजिक जिस तरह से आप प्ले कर रहे होते हो, सो बड़े लोग उनके बारे में बताते हैं। मतलब ये है बात कहने का कि आप इतना ओन कर लेते हो अपने आर्ट को कि वो आपका ओढ़ना बिछोना बन जाता है। सबकॉन्शियस को आप ट्रेन कर लेते हो। अगर मैं अगर मैं 24 आवर्स एक चीज के बारे में सोचता रहूंगा, क्योंकि आपकी रूहानियत भी उससे जुड़ जाती है और आमद भी आपको जो ना वो सो के उठते हैं आप सुबह के टाइम होती है अक्सर आप लिखने बैठ जाते हो। हां, ये बात भी ठीक है कि जब आप सुबह स्पेसिफिकली फजर के वक्त या फजर से पहले का एक वक्त है जिसमें आप उठते हैं, खामोशी है, अमृत वेला, वो एक ऐसा वक्त होता है जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल अरूज पे होती है। okay. और उस पर आप, और होता ऐसे है कि क्योंकि नॉर्मली मैं नॉर्मल तो खैर नहीं, अक्सर औकात जब मैं उठता हूँ तो मेरे दिमाग में ट्यून्स बनी हुई होती हैं। मैं सीधा फ़ोन उठाकर उठते साथ ही आवाज़ अभी निकल भी नहीं रही होती, उठते साथ रिकॉर्डर ऑन किया और वो फौरी तौर पर ट्यून मैंने रिकॉर्ड कर ली। इस तरीके से मेरे फ़ोन के अंदर पूरा एक आर्काइव बना हुआ है और मैंने बहुत सी रीविजिट भी नहीं की, वो है, जब भी कभी टाइम मिले तो मैं जाके सुनूंगा कि ये मुझे ट्यून मेरे दिमाग में आई थी, ये क्या है, इस पे क्या किया। ओके, अच्छा, अपने फादर का उसके लिए जो कह रहे हैं सवेरे, उसके लिए सोना पैंदा है पहले, फिर उठना पैंदा है, फिर भर के साथ में भाग के जो रेडो से जो जमा कर रहे हैं। मैंने ये बात बताई बगैर सोए उठता हूं मैं, मैंने बात सो के बताई आपको, जब उठे तो फिर होता क्या? नहीं, तो पूरे रात दिन को जागता है। आप रात जागे हुए ना? आप रात जागे हुए ना? पूरा सही बताया, मैं रात को सोया हूं। आप बहकी बहकी बातें करने पता है, पानी पिलाओ बहकी बहकी। वाह वाह वाह। अच्छा, ये क्या करते होंगे खामे, ये बताए इसको क्या खा पाते होंगे? छोटे छोटे खा पाते हैं क्या? ट्राई करते हैं ठंडे पूरे क्या करते हैं चढ़ने के तरीके स्टूल में चढ़ने के तरीके। पंजाबी में इसको बोलते हैं बथेरी हो गई। और ये स्टूल आपने मैनेज किया ना? सही, चलो। लेकिन बथेरी थे वो। मैंने भी चढ़ने के तरीके बताया, अब स्टूल पर चढ़ने के तरीके। तो देखो बंदे की जो, जैसे सावन ने कहा ना कि मैं ट्यून बनाता हूँ म्यूजिक, अब हम लोग कहीं कुछ कर रहे होते हैं या कुछ चीज़ अनफोल्डेड टास्क रह जाते हैं, रात को ख्वाब में आते हैं, इनके क्या होंगे यार, सवेरे स्टूल पे कैसे चढ़ना है। ओके, फेवरेट सिंगर कौन है सावन का? कोई एक नहीं है, कुछ दो तीन जो मोस्ट फेवरेट हो? लंबी लिस्ट है, जो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट भी मेरे फेवरेट हैं जिनके मुझे, मैंने गाने शायद एक दो मरतबा लाइफ में सुने हो, इंस्पायर किया हो और जो शायद मुझे अब याद भी नहीं है। अच्छा, सावल का स्टाइल भी बड़ा अच्छा है, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट हैट्स, कैप्स एंड जैकेट्स, यू नो, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं? शॉपिंग फ्रीक हैं सावल? शॉपिंग फ्रीक इन अ वे मैं हूँ, बट क्योंकि मैं बाहर बहुत रहा हूँ, इंग्लैंड में रहा हूँ 6 महीने, मैं अपने गांव में ईसा खेल में होता था, 6 महीने मैं लंदन में होता था। ओके, तो वो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स जो कहा जाता है वो था मुझे। तो मैं बाहर जाता था तो मैं, मुझे हैट्स का बहुत शौक है, कपड़ों का है शौक, तो अब क्योंकि मीडिया से भी आप एसोसिएट होते हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑन दैट साइड एज वेल। मैं फजूल खर्ची का शौक नहीं रखता, बट ये है कि जब अच्छा एक है वेस्टर्न, जहाँ पर आपकी पढ़ाई भी हुई, आपकी कुछ फैमिली भी वहाँ रहती है, फिर यहाँ पर लाहौर में आपका घर है, ईसा खेल आप लोग जाते हो, सो ये डिफरेंट डिफरेंट हर जगह का रहन सहन, लोगों का मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है, तो एडजस्टमेंट में मुश्किल तो नहीं होती? या ये सब चीज़ों को इतना ओन करते हो कि जहाँ जाते हो उस जैसे ही हो जाते हो? आई थिंक माइंड सेट की बात है, अगर मैं उसको अपने माइंड सेट पे हावी करूँगा कि यार मैंने जाना है, मैं वैसे कैसे रहूंगा, मैं ये क्या करूंगा, मैं वो क्या करूंगा, तो अपने लिए ईसा खेल की बेस्ट चीज क्या लगती है? ईसा खेल की बेस्ट चीज उनके लोग लगते हैं। हाँ। ईसा खेल और ज्यादातर मतलब आपके फादर भी वहाँ पर, आप लोग इवेंट्स के लिए भी वहाँ जाते हो, ईद वगैरह पर सबसे मिलना, ईद का बहुत मजा आता है, ईद का मजा आता है, सब लोग आते होंगे मिलने के, आप लोग आए हुए हो वहाँ पे? अच्छा, मैंने सुना आपने वॉल बनाई पूरी कैसेट्स की? जी, घर लाहौर में, घर हाँ, वो हमने शो पे डिस्कस किया था, आई रिमेम्बर एक बार मैं गई थी तो मैंने अपने शो पर डिस्कस किया था कि वो पूरा आर्काइव बनाया है। हाँ, सो ये इस तरह की चीज है, उस जब जिस कैसेट्स का दौर था, जिप गा देना,
लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है इस तरह से आज लोगों के पास नहीं जब आपके शो से यार कॉलेज ही बच जाए आपको तो बड़ा महंगा पड़ेगा आपको तो बहुत सारी गाने छिपकाना पड़ेंगी आप गाने लेके घूमते रहते अकेले थोड़ा स्पीड स्लो कर लेना उनके साथ तो ट्यून हो गए हमें आपकी जो की समझ आएगी तो रिप्लाई करेगी मैं कह रहा हूँ आपके शो से जब ये बच जाए सही सलामत डेढ़ दो साल तीन साल आर्कियोलॉजी कैसे चलो चलो एटलीस्ट एक दो तीन साल की दुआ तो तरह दे दी ना तो और कोई एक ऐसी बात जो आपको लगता है कि स्पेशली जो अपकमिंग सिंगर्स हैं उनको उस पर फोकस करना चाहिए ताकि हम अपने इंटरनेशनल मार्केट में म्यूजिक को भी प्रमोट कर सकें तो वो क्या है म्यूजिक को मजाक मत समझे म्यूजिक को मजाक मत समझे मैं खुद इतने बड़े नाम के नीचे एक बहुत तवील अरसे से गा रहा हूँ क्यों क्योंकि मैं एसोसिएटेड समझता हूँ तो अगर आप जिस चीज़ का मजाक करेंगे वो चीज़ वापस आपके साथ मजाक करेंगी तो इसको मजाक मत समझें इसको सीरियस लें अगर आपने करना है नहीं करना वैसे ड्राइंग रूम में बैठ के करना है तो दैट्स अ गुड थिंग दैट्स परफेक्टली फाइन बट अगर आप ये समझें कि मैं और अपने साथ मजाक ना करें क्योंकि अगर आप एक चीज के साथ मजाक करेंगे और लोगों के सामने आएंगे तो आप अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं और कोई बात राइट थैंक यू सो मच सावल विश यू ऑल द बेस्ट किसी तरह जाएं अच्छा अच्छा म्यूजिक करें पाकिस्तान को भी प्रमोट करें और अपनी जो लेगेसी आपकी फैमिली की उसको भी आगे लेके चले तरन थैंक यू सो मच आपका आपके आने का आते रहिए इसी तरह जब भी कराची आए तो जरूर आइए जी मेरा तो आना जाना लगा रहता आपको पता है डेफिनेटली एंड विश यू ऑल द बेस्ट जैसे आप काम कर रहे हैं एक बरौड़ी बनाई है टाइम नहीं है मुझे बड़ा पसंद है एक छोटा सा जल्दी से सर आपकी इजाजत हो तो प्लीज ये मजाक नहीं है पैरोडी है सिर्फ मजाक ही है पसंद इतना मुझे कि मैंने पैरोडी बनाई है ठीक है आपको अलाउ है बिकॉज़ यू आर डूइंग सो गुड वर्क सर आप लाजमी बोलिएगा आप जो गाना इन्होंने खराब किया वो गाना जरूर मैं आपको सही से सुनाऊंगी सावल से सावल प्लीज हम खड़े हो जाते हैं ताकि लास्ट में हम बाय भी करेंगे अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी